रजन कहता है, अगर आपको ये बात ज्ञात है तो फिर आप कैसे पृथ्वी लोक पर जाने का फैसला कर सकती हैं? आप जानती हैं ना, कुछ दिनों बाद ही हमारा विवाह होने वाला है। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, ये बात भी मुझे अच्छे से ज्ञात है, पर आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप हर बात में हमारे विवाह को बीच में ना लाया कीजिए। मैं तंग आ गई हूँ आपके मुख से विवाह विवाह सुनकर। यक्षिणी के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रज्जन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन पौराणिक रीतियों के कारण उसे ना चाहते हुए भी रज्जन से विवाह करना पड़ रहा था। रज्जन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कैसे ना लाऊं विवाह को बीच में, बचपन से यही तो सपना देखा है मैंने। और आपने, आप यक्षिण लोक की रानी बनना चाहती थी और मैं सेनापति, ताकि मैं आपसे विवाह कर सकूं। और देखिए, आप रानी बन गई और मैं सेनापति। यक्षिणी कुछ गुस्सा करते हुए कहती है, रज्जन मैं इसलिए रानी नहीं बनना चाहती थी कि मुझे आपसे शादी करनी थी, बल्कि इसलिए बनना चाहती थी ताकि यक्षिण लोक की सेवा कर सकूं, उसे हर बुरी मुसीबत से बचा सकूं। रज्जन तुरंत पलट कर कहता है, आपका सपना नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरा सपना तो था ना, और आपसे विवाह करने के लिए ही तो मैं सेनापति बना हूँ। सेनापति बनने के लिए एक यक्ष में जो जो खूबियां होनी चाहिए वो सारी खूबियां हैं मेरे अंदर, तभी तो मैं सेनापति बन पाया हूँ। और अब जब मैं सेनापति बन गया हूँ तो आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा, यही धर्म है। शालिनी पलट कर कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही भक्षानर की आवाज सुनाई देती है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। यक्षिणी भक्षानर की आवाज सुनते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, मेरा साधक मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। रज्जन यक्षिणी को टोकते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं? आप ऐसे ही पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती, आप जानती हैं ना वो साधक कौन है जो आपकी साधना कर रहा है। यक्षिणी रज्जन से अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, वो साधक कोई भी हो, मुझे उससे क्या करना, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा साधक है और वो मुझे पुकार रहा है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही होगा, यही मेरा कर्म है। रज्जन यक्षिणी को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप वहां पर मत जाइए, जो साधक आपको पुकार रहा है वो कोई और नहीं, भक्षानर है, वही भक्षानर जिसने कुछ समय पहले स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था और उस पर राज करने लगा था अपने दुष्ट साथियों के साथ मिलकर। वो तो कृपा रही महादेव की, जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उस स्वर्गलोक को ही नष्ट कर दिया, वरना वो भक्षानर एक एक करके सारे लोगों को अपना बना लेता। मैं अच्छे से जानता हूँ उस भक्षानर की क्या मंशा है। भक्षानर की फिर आवाज सुनाई देती है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। यक्षिणी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, मेरा साधक मुझे पुकार रहा है। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको इतना समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ पर तब भी आप मेरी बात नहीं मान रही हैं। यक्षिणी तुरंत कहती है, आप मुझे समझाने का प्रयत्न नहीं कर रहे बल्कि मुझे मेरे कर्म से विचलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा साधक मुझे पुकार रहा है और मुझे वहां पर जाना होगा। रज्जन तुरंत बोल पड़ता है, और आपके धर्म का क्या? आपका धर्म ये कहता है कि यक्षिण लोक की रानी होने के कारण आपको यक्षिण लोक के सेनापति से विवाह करना पड़ेगा, उसका क्या? क्या आप अपना धर्म नहीं निभाएंगी? आप अपने धर्म से भाग रही हैं। यक्षिणी रज्जन की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं किसी से नहीं भाग रही हूँ, बस मेरे लिए मेरे धर्म से बड़ा मेरा कर्म है। मैं यक्षिण लोक की रानी होने से पहले एक यक्षिणी हूँ, कामेश्वरी यक्षिणी, और मेरे कर्म के अनुसार जब भी मेरा सच्चा साधक मेरी साधना करेगा मुझे वहां पर जाना होगा। और भक्षानर मेरा सच्चा साधक है, वो कई महीनों से मेरी साधना कर रहा है और अब वो समय आ गया है जब मुझे उसे दर्शन देना होगा, उसकी इच्छाएं पूरी करनी होगी। रज्जन कुछ गुस्से के साथ कहता है, क्या आपको जरा भी ज्ञात है कि भक्षानर अपनी किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको वहां पर बुला रहा है? यक्षिणी लंबी आह भरते हुए कहती है, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि भक्षानर की क्या इच्छाएं हैं। रज्जन तुरंत पलट कर कहता है, तब भी आप पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हैं? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ रज्जन, क्योंकि मैं एक कामेश्वरी यक्षिणी हूँ और कामेश्वरी यक्षिणी अपने साधक की पुकार हर हाल में सुनती है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी मर्यादा को पार करना पड़े। मेरा साधक मुझे पुकार रहा है और मुझे पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा, यही मेरा कर्म है। रज्जन फिर आखिरी बार यक्षिणी को समझाते हुए कहता है, पृथ्वी लोक पर जाना ठीक नहीं है, वहां के इंसान ठीक नहीं है और भक्षानर तो इंसान ही नहीं है। यक्षिणी तुरंत पलट कर कहती है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं कोई हमेशा के लिए वहां पर नहीं जा रही हूँ, बस भक्षानर की इच्छा को पूर्ण करने जा रही हूँ, जैसे ही उसकी इच्छा पूर्ण होगी मैं लौट आऊंगी। रज्जन तुरंत कहता है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस आगाह कर रहा हूँ आने वाले संकट से, पता नहीं क्यों पर मुझे आपका पृथ्वी पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
यक्षिणी रज्जन को अच्छे से समझाते हुए कहती है, आप मेरी चिंता न करें, आप इस यक्षिण लोक की चिंता करें, यहाँ के सेनापति हैं आप, और रही बात मेरी तो मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। यक्षिणी की ये बात सुनकर रज्जन को गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से से वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो समझ गया था कि यक्षिणी किसी भी हाल में पृथ्वी लोक पर जाने वाली थी, उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो यक्षिण लोक की रानी थी और पूरे यक्षिण लोक में सिर्फ रानी का ही आदेश सर्वोपरि होता था। बाकी रहे राजा सेनापति तो वो बस लोक की रक्षा करते थे असुरों से। आदेश हमेशा रानी का ही माना जाता था, यही यक्षिण लोक की खासियत थी। जब रज्जन पलटकर कुछ नहीं कहता तो यक्षिणी अपने सिंहासन पर से उठती है और वहां से जाने लग जाती है। अभी यक्षिणी ने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी रज्जन उसे टोकते हुए कहता है, आप जा तो रही हैं, लेकिन ये आपको ज्ञात रहे कि लौटते ही आपको यक्षिण लोक के सेनापति रज्जन से विवाह करना है, और हमें और देर नहीं करनी चाहिए हमारे विवाह में, इसका कई वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। रज्जन की ये बात सुनकर यक्षिणी का मन तो कर रहा था कि वो रज्जन को उसकी बातों का करारा जवाब दे, पर वो चुप रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि पुरखों से चली आ रही परंपरा के बोझ तले वो दब चुकी थी। उसे वापस आकर रज्जन से विवाह करना ही था, यही उसका यक्षिण लोक की रानी होने का धर्म था, पर उससे पहले वो अपना कर्म निभाना चाहती थी। इसलिए बिना रज्जन को कोई जवाब दिए यक्षिणी भक्षानर के पास जाने लग जाती है। रज्जन चुपचाप खड़े होकर ये सब बस देखते रह जाता है और उसके देखते ही देखते यक्षिणी वहां से चली जाती है। इस तरफ द्वापर युग का अंत हो चुका था और भक्षानर नग्नावस्था में पालकी मारकर निशाचरी रात्रि में किश्नोई नदी के पास बैठा हुआ था। भक्षानर वहां पर बैठकर यक्षिणी साधना कर रहा था कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए, पर कामेश्वरी यक्षिणी अभी तक नहीं आई थी। जैसा कि भक्षानर के गुरु शुक्राचार्य ने बताया था कि यक्षिणी उससे तभी प्रसन्न होगी जब वो अपने सबसे ताकतवर अंग की बलि देगा, और यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए ही भक्षानर ने अपने शरीर के सबसे ताकतवर अंग, अपने दोनों बाजुओं की बलि दे दी थी। उसके दोनों हाथ कट चुके थे, जिससे अभी भी रक्त की बूंदें सिमटी हुई थीं। खून के धब्बे जमीन पर लगे हुए थे, पर भक्षानर को जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो पूरी निष्ठा से कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने में लगा हुआ था। भक्षानर कामेश्वरी यक्षिणी साधना करते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। भक्षानर बार बार यही मंत्र का जाप करते रहता है और कुछ देर बाद ही उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी प्रकट हो जाती है। यक्षिणी ने पारदर्शी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस पारदर्शी साड़ी में से उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रदर्शित हो रहे थे। उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। यक्षिणी के बदन में से चमेली के फूलों की मनमोहक महक आ रही थी। उसके चेहरे में चांद की रोशनी की तरह चमक थी। यक्षिणी के सिर पर एक बड़ा सा ताज था जिस पर जुगनू बने हुए थे, और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का हीरा था। पहले तो भक्षानर को अपने आप पर यकीन ही नहीं होता है कि उसने यक्षिणी साधना सिद्ध कर दी थी, पर कुछ देर बाद ही यक्षिणी से बात करने के पश्चात उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसके सामने सच में यक्षिणी ही थी। यक्षिणी अपनी शक्तियों से उसके कटे हुए बाजुओं को फिर से जोड़ देती है और फिर उससे उसकी इच्छा पूछने लग जाती है। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ बोलती है, बोलो भक्षानर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये कामेश्वरी यक्षिणी तुम्हारी क्या कामना पूरी कर सकती है? भक्षानर के मन में पहली मनोकामना तो यही आती है कि वो यक्षिणी के साथ संभोग करना चाहता था। यक्षिणी के बदन को देखकर उसके अंदर की कामवासना जाग गई थी, पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए वो यक्षिणी से वो चीज मांगता है जिसके लिए उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए यक्षिणी, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए जिससे मैं समस्त संसार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मुझसे क्या मांग रहा है? अगर मैंने इसे अपनी शक्ति दे दी तो फिर से ये समस्त संसार में हाहाकार मचाने लग जाएगा। ये स्वर्ग लोक पर तो आक्रमण करेगा ही, और हो सकता है मेरे यक्षिण लोक पर भी आक्रमण करे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे किसी तरह इसे मना करना होगा, इसकी इच्छा बदलनी होगी। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया था कि तुम्हारे पास बहुत सारी दैवीय शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। तुम्हारी शक्तियों के आगे देवताओं की शक्ति भी कुछ नहीं है, उस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता है। यक्षिणी, मैं चाहता हूँ ये पूरा ब्रह्मांड मेरा हो, बोलो क्या तुम मेरी ब्रह्मांड में राज करने में मदद करोगी?
क्या तुम अपनी दैवीय शक्ति मुझे दोगी? यक्षिणी भक्षानर को मना करते हुए कहती है, नहीं भक्षानर, मैं तुम्हें अपनी दैवीय शक्तियां नहीं दे सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हें मेरी शक्तियां दे दी तो मैं एक साधारण स्त्री बन जाऊंगी। यक्षिणी की पहचान उसकी शक्तियों से ही होती है। यक्षिणी अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है, क्या कहा? तुम मुझे अपनी शक्तियां नहीं दे सकती? यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ भक्षानर, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे सकती। तुम मुझसे मेरी शक्तियां नहीं मांग रहे हो, तुम मुझसे मेरी सांसें मांग रहे हो। मेरी शक्तियों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भक्षानर भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती हो। मैंने इतने दिनों तक दिन रात तुम्हारी साधना करी है और अब तुम अपने साधक को इस तरह मना कर रही हो। लगता है मेरे गुरुजी ने जो भी तुम्हारे बारे में बताया था वो सब गलत है। यक्षिणी अपने साधक की कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। वो बस एक मनमोहक बदन वाली स्त्री है और कुछ नहीं। नहीं भक्षानर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। तुम अपनी इस मनोकामना के अलावा मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकते हो। भक्षानर अकड़ते हुए कहता है, भक्षानर को जो मांगना था वो भक्षानर मांग चुका है। भक्षानर को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। भक्षानर ये समझेगा कि इतने दिनों तक वो बस एक ऐसी मायावी स्त्री की साधना कर रहा था जिसके पास सुंदर बदन के अलावा और कुछ नहीं है। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये भक्षानर तो मान ही नहीं रहा। रज्जन सही थे, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यक्षिणी फिर भक्षानर को समझाते हुए कहती है, भक्षानर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अगर मेरी शक्तियां मेरे शरीर से चली गई तो मेरी मृत्यु तो होगी ही, साथ में वो शक्तियां तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकती हैं। भक्षानर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी शक्तियां मेरी मौत का कारण बन सकती हैं, पर कैसे? यक्षिणी भक्षानर को समझाते हुए कहती है, वो इसलिए भक्षानर क्योंकि तुम एक दैत्य हो। तुमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, कई इंसानों और देवताओं का नरसंहार किया है। अगर मैंने अपनी दैवीय शक्तियां तुम्हें दे दी तो तुम्हारा शरीर दैवीय शक्तियों का तेज सह नहीं पाएगा और वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। तुम्हारी उसी क्षण मौत हो जाएगी। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर के हाथ पैर कंपकपाने लग जाते हैं। उसे अपनी मौत का खौफ सताने लग जाता है। यक्षिणी आगे कहना जारी रखती है, कभी भी एक दैत्य के शरीर में दैवीय शक्तियां नहीं रह सकती हैं भक्षानर। भक्षानर को लगने लग जाता है कि यक्षिणी उससे झूठ बोल रही है ताकि वो अपनी मनोकामना बदल दे। भक्षानर अपनी भवे ऊपर नीचे करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ छल कर रही हो ना यक्षिणी? मुझे अच्छे से ज्ञात है तुम देवी देवताओं की आदत होती है हमारे साथ छल करना। इससे पहले भी देवताओं ने छल किया था और सारा अमृत वो स्वयं पी गए थे। तुम भी तो उन्हीं देवी देवताओं की श्रेणी में आती हो। तुम अपनी शक्तियां देने से इसलिए मना कर रही हो ना ताकि इस ब्रह्मांड पर मेरा राज ना हो जाए? यक्षिणी भक्षानर की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं भक्षानर, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरी शक्तियों के बिना मेरी मृत्यु तो होगी ही, साथ में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। भक्षानर फिर गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरी मृत्यु होती है तो होने दो यक्षिणी, पर मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्तियां चाहिए। यक्षिणी भक्षानर को समझाने की जितनी कोशिश कर सकती थी उसने वो सारी कर ली थी, पर भक्षानर अभी भी अपनी बात पर अडिग था। उसे हर हाल में यक्षिणी की शक्तियां चाहिए थी, पर यक्षिणी उसे अपनी शक्तियां नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि यदि उसने भक्षानर को अपनी शक्तियां दे दी तो ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों को नष्ट कर देगा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। यक्षिणी सोचने लग जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि उसे भक्षानर को अपनी शक्तियां न देनी पड़े। इंसान की आंखों में उसका अतीत छुपा होता है क्योंकि उसने उन पलों को जिया होता है और जो पल हम जीते हैं वो पल हमारी आंखों में कैद हो जाते हैं। इसलिए यक्षिणी भक्षानर की आंखों में देखकर उसका अतीत देखने की कोशिश करने लग जाती है। यक्षिणी भक्षानर के अतीत से जुड़ी हर एक बात जानने लग जाती है और उसे भक्षानर से जुड़ी एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी कि भक्षानर भी किसी के साथ ऐसे संबंध में बन सकता है। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, एक यही उपाय है भक्षानर को रोकने का। इससे मेरे ऊपर कलंक तो लगेगा पर ब्रह्मांड को बचाने के लिए मैं ये कलंक अपने ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है,
एक यही उपाय है भक्षानर को रोकने का। इससे मेरे ऊपर कलंक तो लगेगा पर ब्रह्मांड को बचाने के लिए मैं ये कलंक अपने ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी अपने मन में प्रण लेते हुए कहती है, ये पाप मुझे करना ही होगा। भक्षानर को ऐसे ही रोका जा सकता है, जब तक वो मुझे संतुष्ट करेगा तब तक। यक्षिणी ने इतना सोचा ही था कि तभी भक्षानर उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम अभी तक कुछ उपाय नहीं निकाल पाई क्या कि कैसे मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां भी मिल जाए और मेरी मौत भी ना हो? यक्षिणी मन में सोचते हुए कहती है, हाँ मुझे ये करना ही होगा। इस सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे ऐसा करने से सृष्टि का विनाश रोका जा सकता है तो वही सही। मैं उम्र भर इस कलंक के साथ जी सकती हूँ पर इस भक्षानर के हाथों सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकती हूँ। भक्षानर फिर यक्षिणी को टोकते हुए कहता है, बोलो यक्षिणी तुम चुप क्यों हो, क्या इसका कुछ उपाय नहीं? यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इसका एक उपाय है भक्षानर। भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ता है, बोलो यक्षिणी क्या उपाय है, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी भक्षानर को आगाह करते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। भक्षानर झट से बोल पड़ता है, ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ यक्षिणी, बस तुम बोलो मुझे क्या करना है। यक्षिणी धीरे धीरे कहती है, तुम्हें मेरी देह के साथ मिलना होगा भक्षानर, उसमें समाहित होना पड़ेगा। हमें दो जिस्मों से एक जिस्म बनना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर भी दैवीय गुण आ जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें मेरी शक्तियां दे सकती हूँ, फिर तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों का तेज आसानी से सहलेगा और वो नष्ट नहीं होगा। भक्षानर समझ गया था कि समागम का मतलब था संभोग। यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए उसे यक्षिणी के साथ संभोग करना पड़ेगा। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर मन ही मन खुश होने लग गया था, उसकी काम इच्छा जागृत होने लग जाती है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर बोलती है, बोलो भक्षानर, क्या तुम मेरी शक्तियां पाने के लिए मेरे साथ संभोग करने के लिए तैयार हो? भक्षानर खुश होते हुए कहता है, मैं तो कब से बेताब हूँ यक्षिणी तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए, वो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम जैसी सुंदरी के साथ संभोग नहीं करना चाहेगा। यक्षिणी भक्षानर के नजदीक जाते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, क्या तुम सच में मेरे साथ संभोग करना चाहते हो? भक्षानर भी यक्षिणी के करीब जाते हुए कहता है, इसमें सोचना क्या है यक्षिणी, मैं तो कितनी रातों से तुम्हारे साथ संभोग करने के स्वप्न देख रहा हूँ, आज मेरा स्वप्न पूरा होने वाला है। यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूते हुए कहती है, इससे किसी को कुछ आपत्ति तो नहीं होगी ना भक्षानर? जैसे ही यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूती है उसके तन बदन में आग लग जाती है, एक कपकपी सी महसूस होने लग जाता है। भक्षानर के दिल की धड़कनें जोरों से चलने लग जाती हैं। भक्षानर अपने दिल को काबू करते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, भक्षानर अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। इतना कहकर भक्षानर भी यक्षिणी के बदन को छूने लग जाता है। यक्षिणी का बदन फूलों की तरह मुलायम था। भक्षानर के छूने से यक्षिणी के बदन में भी एक कपकपी सी उत्पन्न हो गई थी। यक्षिणी भक्षानर को गले लगाते हुए उसके कान में कहती है, भक्षानर तुम्हें मेरे साथ तब तक संभोग करना पड़ेगा जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते, और कामेश्वरी यक्षिणी को संतुष्ट करना आसान नहीं है। भक्षानर भी यक्षिणी को अपने सीने से सटाते हुए कहता है, यक्षिणी तुम जानती नहीं हो भक्षानर क्या चीज है, उसने अच्छी अच्छी स्त्रियों को संतुष्ट कर दिया और आज वो एक यक्षिणी को संतुष्ट करेगा। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, मेरी एक और शर्त है, तुम मेरे बदन से तब तक दूर नहीं होगे जब तक मुझे संतुष्ट नहीं कर देते। भक्षानर यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें संतुष्ट करने के बाद भी तुम्हारे बदन से अलग ना हूं, तुम्हारा बदन इतना लाजवाब जो है यक्षिणी। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी को अपनी बाहों में जकड़ने लग जाता है। जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में जकड़ता है यक्षिणी के वस्त्र अपने आप उसके बदन पर से गायब हो जाते हैं। यक्षिणी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जानती थी कि वो एक ऐसा पाप करने जा रही थी जो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। दैवी और दैत्य शक्तियों का मिलन आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यक्षिणी अपने आप को पूरी तरह भक्षानर को सौंप देती है। भक्षानर यक्षिणी को घाट की रेत पर ही लटा देता है और यक्षिणी के पैरों को चूमते हुए उसके बदन के ऊपर की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे भक्षानर यक्षिणी के बदन को चूमते जा रहा था, अपनी लार को उसके बदन पर टपकाए जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे भक्षानर कई दिनों से किसी स्त्री के बदन का भूखा हो और आज वो अपनी सारी भूख यक्षिणी के बदन से मिटाना चाहता था। यक्षिणी के सुडौल नग्न बदन को देखकर भक्षानर की भूख और बढ़ गई थी। वो यक्षिणी के बदन के हर एक हिस्से को चूमे जा रहा था। बदन को चूमते हुए ही वो उसके माथे तक पहुंच गया था। जब यक्षिणी को चूमते हुए उसका मन भर जाता है तो वो अपने हाथ यक्षिणी के बदन के हर हिस्से पर फेरने लग जाता है। कभी वो अपने हाथ उसकी मादक कमर पर फेर रहा था तो कभी वही हाथ उसके उभरे हुए कपास की तरह कोमल वक्षों पर फेर रहा था। यक्षिणी और भक्षानर दोनों का बदन गर्म हो जाता है। दोनों का बदन एक दूसरे के जिस्मों की गर्मी के कारण पसीने से तर हो गया था। संभोग करते हुए भक्षानर यक्षिणी के उभरे हुए वक्षों को बार बार सहलाए जा रहा था तो कभी अपने हाथों से उसकी मोटी जांघों को मसले जा रहा था, जैसे अपने अंदर की सारी आग उसके अंदर उतार रहा हो। भक्षानर पूरी तरह यक्षिणी के बदन से लिपट गया था। वो उसके शरीर से इस तरह चिपका हुआ था कि यक्षिणी के बदन का प्रत्येक अंग भक्षानर के अंग से छू रहा था। दोनों ही एक दूसरे की तेज तेज चलती दिल की धड़कनों की आवाज को साफ सुन पा रहे थे। भक्षानर बहुत खुश था। होता भी कैसे नहीं, उसे यक्षिणी के साथ संभोग करने का चरम सुख प्राप्त हो रहा था और संभोग करने के बाद उसे यक्षिणी की शक्तियां मिलने वाली थी। संभोग करने में भक्षानर को तो मजा आ रहा था पर यक्षिणी को बिल्कुल नहीं। वो बस खुश होने का दिखावा कर रही थी ताकि भक्षानर को उस पर शक ना हो, उसे पता न चले कि ये उसकी कोई साजिश है। यक्षिणी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की राह ताक रही हो, वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रही हो। यक्षिणी के साथ संभोग करने में भक्षानर ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी। वो जानवरों की तरह कभी उसके बाल खींचता तो कभी उसे नोचता पर यक्षिणी एक उफ तक नहीं निकालती। निकालती भी कैसे, भक्षानर के सामने कामेश्वरी यक्षिणी थी और कामेश्वरी यक्षिणी के जितनी काम इच्छा किसी यक्षिणी की नहीं थी। संभोग करते हुए भक्षानर और यक्षिणी एक दूसरे में पूर्णता समाहित हो गए थे। यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए भक्षानर ने अपने पूरे बदन की जान लगा दी थी पर यक्षिणी अभी तक संतुष्ट नहीं हुई थी। यक्षिणी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए थी। वो देखना चाहती थी कि भक्षानर के बदन में कितनी आग थी। कई घंटों से लगातार संभोग करते करते भक्षानर के माथे पर पसीना आने लग गया था। यक्षिणी उस पसीने को पोछते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, क्या हुआ भक्षानर, तुम थक गए क्या? भक्षानर अपने बदन की पूरी ताकत लगाते हुए कहता है, भक्षानर इतनी जल्दी थकने वाला नहीं है यक्षिणी। इतना कहकर भक्षानर अपने बदन में और फुर्ती लाता है और फिर से पूरी ताकत के साथ यक्षिणी के साथ संभोग करने लग जाता है। यक्षिणी भी अपने अंदर की शक्तियां एक जगह एकत्रित करती है और अपने अंदर की काम इच्छा को और बड़ा कर लेती है ताकि भक्षानर उसे संतुष्ट ना कर पाए। यक्षिणी अपने हाथ भक्षानर की पीठ पर फेरते हुए कहती है, तुम्हें मेरी शक्तियां तभी मिलेंगी भक्षानर जब मैं संतुष्ट होंगी। भक्षानर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, भक्षानर आज तुम्हें संतुष्ट करके ही दम लेगा। यक्षिणी आज तुम पृथ्वी लोक से खुश होकर ही जाओगी। भक्षानर की आंखों में एक आग थी, इस ब्रह्मांड पर राज करने की आग। और जब आपके अंदर किसी को पाने की आग होती है तब आप अपनी थकान, अपनी प्यास, अपनी देह सब कुछ भूल जाते हैं। और भक्षानर भी इस वक्त यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए सब कुछ भूल चुका था। उसने यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी। जैसे जैसे वो दोनों संभोग करते जा रहे थे यक्षिणी भक्षानर से खुश होते जा रही थी। इस वक्त यक्षिणी रेत पर पीठ के बल लेटी थी तो भक्षानर उसी के बदन के ऊपर चढ़ा हुआ था और पूरी निष्ठा से संभोग करने में लगा हुआ था। लगातार संभोग करने की वजह से दोनों के ही श्वेत शरीर लाल पड़ गए थे। वो लालपन दूर से देखने में समझ आ रहा था और ये भी समझ आ रहा था कि वो लालपन किस वजह से आया था। भक्षानर अपने शरीर की पूरी फुर्ती से यक्षिणी के साथ संभोग करने में लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो पल आने वाला था जब यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट होने वाली थी। एक पल के लिए तो यक्षिणी भी भक्षानर के अंदर का पुरुषार्थ देखकर दंग रह गई थी। यक्षिणी मन ही मन घबराते हुए सोचने लगती है, नहीं ये नहीं हो सकता, इस भक्षानर के अंदर एक यक्षिणी से ज्यादा कामवासना कैसे हो सकती है, वो भी कामेश्वरी यक्षिणी से ज्यादा, ये भक्षानर है क्या चीज। यक्षिणी की घबराहट बढ़ते जा रही थी क्योंकि उसके अंदर की कामेच्छा अब कम होते जा रही थी। उसे इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि भक्षानर उसे संतुष्ट करने में कामयाब होते जा रहा था।
भक्षानर की काम इच्छा के आगे एक यक्षिणी की काम इच्छा कमजोर पड़ती जा रही थी। भक्षानर को यक्षिणी के चेहरे पर थकान दिखने लग गई थी। भक्षानर को उसकी वो सिसकियों की आवाज सुनाई देने लग गई थी जो उसने भक्षानर से छुपा कर रखी थी। भक्षानर भी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच गया था। यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट होने लग गई थी। उसकी वासना पूरी तरह शांत होने लग गई थी। यक्षिणी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर भक्षानर ने मुझे संतुष्ट कर दिया तो मुझे अपनी सारी शक्तियां देनी होगी, और यदि मैंने इसे अपनी शक्तियां दे दी तो ये। यक्षिणी ने इतना सोचा ही था कि तभी वो हाथ जो यक्षिणी ने अपने मुंह पर रखा था ताकि भक्षानर को उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई ना दे, भक्षानर खुशी खुशी उस हाथ को यक्षिणी के मुंह से हटाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे भक्षानर यक्षिणी को पूर्णतः संतुष्ट करने जा रहा था। यक्षिणी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो इस पल को अपनी आंखों के सामने घटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने कल्पना भी नहीं करी थी कि भक्षानर उसे संतुष्ट कर पाएगा। यक्षिणी समझ गई थी कि उसके अंदर की काम इच्छा भक्षानर की काम इच्छा के आगे हार गई थी, और अब उसे भक्षानर को अपनी सारी शक्तियां देनी पड़ेगी। यक्षिणी ने अपनी पूरी ताकत के साथ भक्षानर को अपने वक्ष से सटा लिया था और वो लंबी लंबी आहें भरने लग गई थी। यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट ही होने वाली थी कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, भक्षानर। जैसे ही भक्षानर के कानों तक ही आवाज पहुंचती है, भक्षानर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। वो जरा भी आगे पीछे नहीं हो पाता ताकि यक्षिणी को संतुष्ट कर पाए। वो आवाज सुनकर भक्षानर के हाथ पैर डर के मारे कपकपाने लग जाते हैं। वो भक्षानर जो अच्छे अच्छे देवों के दिल में खौफ पैदा कर देता था, आज वो भक्षानर खौफ के कारण कपकपा रहा था। उस औरत के भक्षानर कहने की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। उस औरत की आवाज सुनकर यक्षिणी भी अपनी आंखें खोल लेती है। उसके मुख के सामने भक्षानर का चेहरा था जिसके मुख पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे थी। भक्षानर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भक्षानर राइट साइड देख रहा था। भक्षानर के नीचे लेटी हुई यक्षिणी भी राइट साइड देखने लग जाती है। जब यक्षिणी अपना सिर राइट साइड करती है तो वो देखती है कि किश्नोई नदी के किनारे पर एक कुरूप औरत खड़ी हुई थी जिसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत श्याम वर्ण की थी जिसके चेहरे और बदन पर कई बड़े बड़े फोड़े फुंसी थे, जिनमें से कई फोड़े फुंसी में मवाद भरा हुआ था तो कुछ फूटे हुए थे जिसके लाल निशान अभी भी नजर आ रहे थे। उस औरत की लंबी सी काली चोटी थी जो उसके नितंबों तक आ रही थी। वो औरत बड़े गुस्से में लग रही थी। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस औरत की साड़ी घुटनों तक पानी से भीगी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो औरत नदी के दूसरे किनारे से आई थी। उस कुरूप औरत को देखकर भक्षानर का गर्म बदन जो कुछ देर पहले आग की भट्टी की तरह तप रहा था, अब वो ठंडा पड़ गया था। वो औरत गुस्से के साथ भक्षानर और यक्षिणी को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत भक्षानर और यक्षिणी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसका बस चले तो वो दोनों को कच्चा चबा जाएगी। यक्षिणी उस कुरूप औरत को देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी उस औरत को जानती थी और ये भी जानती थी कि कुछ ही देर में वो औरत वहां पर आने वाली थी। यक्षिणी उस औरत को देखते हुए खुद से फुसफुसाते हुए कहती है, महाडायन। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी यक्षिणी उस औरत को देखते हुए खुद से फुसफुसाते हुए कहती है, महाडायन। यक्षिणी और भक्षानर के सामने महाडायन खड़ी हुई थी, कोई और नहीं बल्कि वही महाडायन जिसकी कहानी डायना ने युग को सुनाई थी। महाडायन गुस्से के साथ यक्षिणी और भक्षानर को घूरे जा रही थी। महाडायन भारी आवाज में भक्षानर को घूरते हुए कहती है, धोखा धोखा धोखा। भक्षानर तुरंत यक्षिणी से दूर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। महाडायन तुरंत पलट कर कहती है, क्या कहा, मैं गलत समझ रही हूँ तो ये सब क्या है जो मेरी आंखें देख रही हैं? भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये सब तो मैं इस यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए कर रहा था। इसी ने कहा था कि यदि मैं इसके साथ संभोग करूंगा और इसे संतुष्ट कर दूंगा तो ये अपनी सारी शक्तियां मुझे दे देगी। ये बात सुनकर महाडायन को और गुस्सा आ जाता है।
वो गुस्से से लाल होने लग जाती है। महाडायन भक्षानर के पास जाते हुए कहती है, शक्तियां पाने की लालसा में तू ये भूल गया भक्षानर कि तू मेरा पति है। तूने विवाह किया है मेरे साथ, तू एक पवित्र बंधन में बंधा है मेरे साथ, पर तूने इस यक्षिणी के साथ संभोग करके उस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया। भक्षानर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो महाडायन से बहुत डर रहा हो। देखते ही देखते महाडायन का गुस्सा शांत होने लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू ने ले ली थी। स्त्रियों का मन होता ही ऐसा है, जो अपना गुस्सा तो जाहिर करती हैं, पर वो उनके अंदर के सारे जज्बात एहसास उन आंसुओं के साथ बहने लग जाते हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर हर वक्त मान मर्यादा उनके सामने आ जाती है। महाडायन रोते हुए अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहती है, मैंने सोचा था तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है, पर मैं गलत थी। मर्द कभी किसी औरत से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। उनका प्रेम उनके अंदर की बढ़ती हुई हवस के साथ बदलता रहता है। तूने मुझे धोखा दिया है भक्षानर, धोखा दिया है। भक्षानर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। महाडायन तुरंत भड़कते हुए कहती है, किसी स्त्री के साथ संभोग करना तू इसे साधना कहता है? महाडायन भक्षानर को बीती बातें याद दिलाते हुए कहती है, भूल गया जब तेरे साथ कोई नहीं था, तू मर रहा था इस काला झाड़ी जंगल में, उस वक्त मैंने ही तेरी मदद करी थी और तूने मेरी मदद का मुझे ये सिला दिया, मुझे धोखा दिया। अगर उस वक्त मैंने तेरी मदद ना करी होती तो आज तेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। भक्षानर खामोश रहता है, क्योंकि वो जानता था महाडायन जो बोल रही थी सत्य बोल रही थी। अगर महाडायन उसकी मदद नहीं करती तो वो कब का मर चुका होता। महाडायन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं जानती थी मर्द कभी किसी एक स्त्री के नहीं हो सकते, इसलिए जब तू मुझे घायल अवस्था में मिला था उसी वक्त मैंने तेरी नाभि में अपनी आंख का काजल लगा दिया था, ताकि जब भी कोई पराई स्त्री तुझे छुए तो मुझे तुरंत पता चल जाए। एक डायन की आंख के काजल में इतनी शक्ति होती है कि सिर्फ एक डायन ही उसे मिटा सकती है। जब यक्षिणी भक्षानर की आंखों में देखकर उसके अतीत के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तो उसे भक्षानर के बारे में सारी बातें पता चल जाती है। ये भी कि भक्षानर ने एक महाडायन से विवाह किया है और भक्षानर के शरीर पर सिर्फ उस महाडायन का हक हो, इसलिए उसने उसकी नाभि में अपना काजल लगाया है। इसी बात का फायदा उठाते हुए यक्षिणी ने भक्षानर के सामने ये शर्त रखी थी कि भक्षानर को उसके साथ संभोग करके उसे संतुष्ट करे, तभी उसे वो अपनी शक्तियां देगी। यक्षिणी जानती थी कि भक्षानर के साथ संभोग करते ही महाडायन को ये बात पता चल जाएगी और वो जरूर यहाँ पर आएगी। एक स्त्री कभी किसी पराई स्त्री के साथ अपने पति को नहीं देख सकती, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। यक्षिणी जानती थी कि भक्षानर जब तक उसे संतुष्ट कर पाएगा उससे पहले ही महाडायन यहाँ पर आ जाएगी और उसके यहाँ पर आते ही भौकाल मचेगा, ऐसा भौकाल जिससे वो अपनी शक्तियाँ भक्षानर को देने से बच जाएगी। इस वक्त यक्षिणी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि उसने समस्त ब्रह्मांड को भक्षानर के हाथों नष्ट होने से बचा लिया था, चाहे इसके लिए उसे अपने जिस्म की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ी थी। जब भक्षानर महाडायन के मुख से ये बात सुनता है कि महाडायन ने उसकी नाभि में अपना काजल लगाया था, तो वो अपनी नाभि पर हाथ फेरने लग जाता है और जब नाभि में से बाहर अपनी उंगली निकालता है तो देखता है कि उसकी उंगली पूरी तरह काजल से काली हो गई थी, लेकिन काजल अभी भी उसकी नाभि में जमा हुआ था, क्योंकि वो काजल कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि महाडायन की आंख का काजल था जिसे उसने काली शक्तियों से बनाया था और उसे वही मिटा सकती थी। जब भक्षानर अपनी उंगली में लिपटे काजल को देखता है तो उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। वो शर्मिंदगी और डर जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था वो गायब हो चुका था। भक्षानर गुस्से के साथ कहता है, तूने मुझ पर शक किया? महाडायन हामी भरते हुए कहती है, हाँ भक्षानर, और मेरा शक एकदम सही था। तूने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, तेरी आंखों में मुझे वो प्यार कभी दिखा ही नहीं जो एक प्रेमी की आंखों में उसकी प्रेमिका के लिए होता है। तेरी आंखों में बस एक तलब थी, पर पता नहीं किस चीज की, जिसे मैं आज तक नहीं जान पाई। भक्षानर ने बहुत देर से अपने गुस्से को अपने अंदर काबू करके रखा हुआ था, पर वो समझ गया था कि हालात बद से बदतर हो गए थे और अब चुप रहने का कुछ फायदा नहीं होने वाला था। सारा भांडा फूट चुका था। भक्षानर महाडायन की आंखों में देखते हुए कहता है, सही कहा तूने, एकदम सही कहा,
मैं तुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। सच्चा प्रेम तो छोड़, मैं तो तुझसे प्रेम तक नहीं करता। जैसे ही भक्षानर ये बात बोलता है, अचानक वातावरण में खामोशी छा जाती है। भक्षानर महाडायन को ताने मारते हुए कहता है, एक बार भी तूने अपनी ये गंदी सूरत आईने में देखी है? तूने कैसे सोच लिया कि तुझसे कोई प्रेम कर सकता है? तू प्रेम क्या, नफरत करने के लायक भी नहीं है। भक्षानर यक्षिणी की तरफ देखते हुए कहता है, प्रेम तो ऐसी सुंदर स्त्रियों से किया जाता है। जरा एक बार तू खुद देख यक्षिणी के मनमोहक बदन को, तेरा भी मन मचल जाए। इसका बदन ऐसा है, स्त्री से कहते हैं, तू तो स्त्री कहलाने के लायक भी नहीं है। भक्षानर की बातें सुनकर गुस्सा तो यक्षिणी को भी बहुत आ रहा था, पर वो खामोश थी क्योंकि हालात ने उसकी आवाज उससे छीन ली थी। वो जानती थी कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। भक्षानर यक्षिणी और महाडायन की तुलना करते हुए कहता है, जरा देख यक्षिणी के बदन को, इसके बदन से चमेली की महक आती है और तेरे बदन से सड़े हुए मांस की। यक्षिणी के चेहरे को चूमते रहने का मन करता है और तेरे चेहरे पर तो थूकने का भी मन नहीं करता है। भक्षानर की हरकत के कारण महाडायन का दिल तो बहुत पहले ही टूट चुका था, पर उसकी बातें सुनकर अब उसका दिल चकनाचूर हो गया था। उसके अंदर दर्द का एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था, जो कुछ ही देर में फटने वाला था। भक्षानर की बातों ने उसके मन में आग लगा दी थी। महाडायन भक्षानर को रोकते हुए कहती है, बस भक्षानर बस, प्यार करने के लिए सूरत की नहीं सीरत की जरूरत होती है। काश तू प्यार को कभी समझ पाता, पर तू क्या प्यार को समझेगा? तू भक्षानर जो है, तेरे अंदर दिल ही नहीं है। भक्षानर खुश होते हुए कहता है, सही कहा तूने, मैं भक्षानर हूँ और भक्षानर के अंदर दिल नहीं है। भक्षानर को कभी किसी स्त्री से प्रेम नहीं हो सकता, उसे प्रेम है तो सिर्फ शक्तियों से। भक्षानर महाडायन से अपनी आंखें मिलाते हुए कहता है, अभी तू कह रही थी ना तुझे मेरी आंखों में प्रेम नहीं दिखता तेरे लिए, बल्कि एक तलब दिखाई देती है। जानना चाहती है कि वो तलब किस चीज की है। महाडायन खामोश रहती है, पर भक्षानर जानता था कि उसका जवाब क्या था। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, वो तलब थी तेरी शक्तियों को पाने की। तेरी शक्तियां पाने के लिए ही मैंने तुझसे प्यार करने का नाटक किया था। भक्षानर शक्तियों का प्यासा है, प्यार का नहीं। महाडायन पलट कर कहती है, भक्षानर प्यार की प्यास तो बुझ भी जाती है सच्चा प्रेमी मिलने पर देखना तेरी ये जो शक्तियों की प्यास है वो कभी नहीं बुझने वाली। भक्षानर कुछ देर के लिए अपनी मुट्ठी बंद करता है और जब खोलता है तो उसके हाथ में हरा हीरा था, जो कि महाडायन का था। भक्षानर उस हीरे को महाडायन को दिखाते हुए कहता है, ये हीरा पहचानती है ना महाडायन, इसी के लिए मैंने तुझसे प्यार करने का नाटक किया था, ताकि तू खुशी खुशी मुझे इसे सौंप दे। और तूने मुझे इसे दे भी दिया। क्या कहा था तूने कि अब मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं? मेरा असली हीरा तो भक्षानर तुम हो और मेरी शक्तियां भी। इतना कहकर भक्षानर हंसने लग जाता है। महाडायन गुस्से के साथ कहती है, देखना भक्षानर, एक दिन आएगा जब यही शक्तियां तेरी मौत का कारण बनेगी, ये तुझे ले डूबेगी। भक्षानर गुस्से के साथ पलट कर कहता है, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा, पर अब तेरे दिन पूरे हो चुके हैं महाडायन। तू मेरी जिंदगी से जा सकती है, क्योंकि अब मेरी जिंदगी ये यक्षिणी बन गई है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। भक्षानर यक्षिणी के बदन पर अपनी नजरें फेरते हुए बड़े प्यार से कहता है, आह क्या बदन है इसका, मैं तो अभी भी इसके साथ संभोग कर सकता हूँ। इसके बदन के स्पर्श को मैं अभी भी भुला नहीं पाया हूँ, पर सोच रहा हूँ संभोग करने से पहले इससे भी इसकी शक्तियाँ ले लूँ। जैसे ही भक्षानर ये बात बोलता है, यक्षिणी तुरंत बोल पड़ती है, नहीं भक्षानर, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे सकती हूँ। भक्षानर अपनी भमे ऊपर करते हुए तुरंत यक्षिणी से बोलता है, क्या कहा तुमने यक्षिणी, तुम मुझे अपनी शक्तियां नहीं दे सकती, पर क्यों? अभी तुमने ही तो कहा था कि यदि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा तो तुम मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दोगी। यक्षिणी भक्षानर को समझाते हुए कहती है, भक्षानर मैंने कहा था यदि तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं अपनी शक्तियां तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मुझे संतुष्ट ही कहां कर पाए। भक्षानर बौखलाहट के साथ कहता है, पर मैंने तुम्हें काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था, इस बात का आभास तुम्हें भी है यक्षिणी, पर ये महाडायन आ गई। यक्षिणी कहती है, तुम्हें मुझे पूर्णतः संतुष्ट करना था भक्षानर, जो तुम नहीं कर पाए, और उसके अनुसार मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे सकती। भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ऐसा मत कहो यक्षिणी, मैंने पूरी निष्ठा से तुम्हारी साधना करी है कई महीनों से, इस तरह तुम मुझे अपनी शक्तियां देने से मना नहीं कर सकती। तुम मुझे एक और अवसर दो,
इस बार मैं तुम्हें संतुष्ट करके ही दम भरूंगा। यक्षिणी पलट कर कहती है, तुम अवसर अपने हाथ से गवा चुके हो भक्षानर, मैं तुम्हें दोबारा अवसर नहीं दे सकती। यही विधान है, अब मुझे अपने लोक वापस जाना होगा। भक्षानर बौखलाहट के साथ कहता है, नहीं यक्षिणी, तुम इस तरह नहीं जा सकती। यक्षिणी तुरंत कहती है, मुझे जाना होगा भक्षानर, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाए, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। भक्षानर जानता था वो यक्षिणी को नहीं रोक सकता। यक्षिणी के पास इस वक्त इतनी शक्तियां थी कि इस वक्त वो उसका अंत कर सकती थी। भक्षानर अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, जाओ यक्षिणी जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद फिर से तुम्हारी साधना नहीं कर सकता, तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता? तुम्हारे जाते ही मैं फिर से तुम्हारी साधना करने लग जाऊंगा, तुम्हें फिर पृथ्वी लोक पर बुलाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। और देखना, फिर मैं तब तक तुम्हारे साथ संभोग करते रहूंगा जब तक तुम्हें संतुष्ट नहीं कर दूंगा। मैं फिर नहीं रुकने वाला, चाहे कोई भी आ जाए। भक्षानर महाडायन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, अब कोई मुझे रोकने आएगा भी कैसे, इस महाडायन को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। यक्षिणी खामोशी के साथ भक्षानर की बातें सुनती रहती है। भक्षानर की बातें सुनकर महाडायन का स्त्री मन जलने लग जाता है। स्त्रियां जो निस्वार्थ अपने पतियों से प्रेम करती हैं, चाहे उनके पतियों ने उनके साथ कितने भी छल किए हों, उन्हें कितने भी धोखे दिए हों, वो फिर भी अपने पतिव्रता धर्म को कभी नहीं भूल सकती। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और का होते हुए तो कतई नहीं देख सकती। महाडायन के अंदर की आग बढ़ने लग गई थी। भक्षानर फिर यक्षिणी के नग्न बदन को देखते हुए कहता है, तुम्हें संतुष्ट करने के बाद तुम्हारी शक्तियां तो मैं हासिल करूंगा ही यक्षिणी, साथ में तुम्हें भी हासिल करूंगा। आज तक मैं कई स्त्रियों के साथ सोया हूँ, पर जो बात तुम्हारे बदन में है वो किसी में नहीं। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्तियां नहीं, तुम भी चाहिए। इस भक्षानर को यक्षिणी चाहिए। यक्षिणी पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही महाडायन अपने अंदर की आग बाहर निकालते हुए कहती है, भक्षानर, ना ही तुझे कभी यक्षिणी मिलेगी, ना ही उसकी शक्तियां। मैं कभी तुझे और यक्षिणी को एक नहीं होने दूंगी। भक्षानर महाडायन की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, तू मुझे रोकेगी? मुझे? तू शायद भूल रही है, तेरी शक्तियां मेरे पास हैं। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। अपनी शक्तियों के बिना महाडायन सिर्फ एक डायन है। महाडायन अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं महाडायन नहीं रही तो क्या हुआ, एक डायन तो हूं ना, और एक डायन अपनी शक्तियों के बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। डायन होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ, तुझे नहीं पता एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है। महाडायन की बातें सुनकर भक्षानर के चेहरे पर डर दिखने लग जाता है, पर यक्षिणी शांत खड़ी रहती है। महाडायन भक्षानर की आंखों में देखते हुए कहती है, तू इस यक्षिणी को वापस से पृथ्वी लोक में तब बुला पाएगा ना, जब मैं इसको इस लोक से जाने दूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी महाडायन भक्षानर की आंखों में देखते हुए कहती है, तू इस यक्षिणी को वापस से पृथ्वी लोक में तब बुला पाएगा ना, जब मैं इसको इस लोक से जाने दूंगी। भक्षानर आहिस्ते से कहता है, क्या करने वाली है तू? महाडायन भक्षानर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस चालाकी के साथ मुस्कुराने लग जाती है। यक्षिणी कुछ कहती या कर पाती उससे पहले ही महाडायन अपनी आंखें बंद करती है, और अगले ही पल जब वो आंखें खोलती है तो उसके हाथ में मंत्रों की शक्ति से क्रकण हथियार प्रकट हो जाता है, वही क्रकण हथियार जिससे डायन को मारा जा सकता है। महाडायन अपनी लंबी सी मोटी चोटी को एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथ से क्रकण हथियार को चोटी पर रखते हुए यक्षिणी को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। महाडायन इन सब का कारण यक्षिणी को ही मान रही थी। उसके मुताबिक यक्षिणी की सुंदरता ने ही उसके प्रेम को उससे छीना था। ना ही यक्षिणी इतनी सुंदर होती, ना ही भक्षानर को वो कभी पसंद आती, और ना ही ये सब होता। महाडायन यक्षिणी को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों के पति के साथ सोने का, तो मैं महाडायन आज तुझे अभिशाप देती हूँ कि तुझे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा, उसके साथ संभोग करना पड़ेगा, और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा, उसके रक्त से ही तुझे सांसें मिलेगी।
जिस तरह तूने मेरा दिल तोड़ा है उसी तरह तुझे उन मर्दों का दिल खाना होगा। उस दिल से तुझे तेरा यौवन रूप वापस मिलेगा। जिस पूर्णिमा अमावस्या तू मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारेगी नहीं, उस रात तू बूढ़ी होने लगेगी, बदसूरत बनते जाएगी, कोई मर्द तेरे पास नहीं आएगा। फिर तुझे पता चलेगा कि एक कुरूप स्त्री होने का दर्द क्या होता है। जो दर्द मैंने भोगा वो तू भी भोगेगी। एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी तू। संभोग करने के बाद भी तेरी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली, वो हवस वक्त के साथ बढ़ते जाएगी, तू कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। महाडायन का अभिशाप सुनकर यक्षिणी और भक्षानर दोनों सुन्न पड़ जाते हैं। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। महाडायन क्रकण हथियार से अपनी चोटी काटते हुए कहती है, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, उसी तरह तू जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसते रहेगी। तुझे अपने हाथों से अपने प्यार की सांसें छीननी होगी, उसे मारना होगा। अगर तू मर भी गई तो मरने के बाद भी इसी लोक में भटकती रहेगी। तू एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी। यक्षिणी, एक डायन, ये मेरा अभिशाप है, एक डायन का अभिशाप। इतना कहकर झट से महाडायन अपनी चोटी काट देती है। नागिन की तरह हिलती हुई उसकी चोटी झट से रेत पर गिर जाती है और ऐसे छटपटाने लग जाती है जैसे कोई व्यक्ति तब फड़फड़ाता है जब वो मर रहा हो। चोटी कटते ही महाडायन पीठ के बल रेत पर गिर जाती है। छटपटाती हुई चोटी महाडायन की नाभि के पास जाती है और नाभि के अंदर घुसने लग जाती है। देखते ही देखते वो चोटी पूरी तरह उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो चोटी लुप्त होती है, महाडायन का पूरा शरीर एक चोटी के रूप में बदल जाता है और उस चोटी में आग लग जाती है। वो चोटी जलने लग जाती है। चोटी के अंत होते ही महाडायन का अंत भी हो जाता है। यक्षिणी, जिसे महाडायन ने एक ऐसा अभिशाप दिया था जिसकी वो हकदार ही नहीं थी, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे किसी के पति के साथ संभोग करना पड़ा था, पर उसी की पत्नी ने उसे अभिशाप दे दिया था। अभिशाप देने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी, जिस कारण यक्षिणी के अंदर भी डायन के गुण आ गए थे और वो डायनों की तरह खूंखार बनकर शिकार करने लग गई थी। सदियों से यक्षिणी उसी अभिशाप को भुगतते आ रही है। जब से वो यक्षिणी लोक से आई है, पृथ्वी लोक पर ही रह गई है, कभी वापस अपने लोक नहीं जा पाई अपने अभिशाप के कारण। महाडायन के अंत होते ही यामिनी ताज से जुड़ी यादों में से बाहर आने लग जाती है। बाहर आते वक्त ही उसे ताज से जुड़ी हुई कुछ और यादें भी दिखती हैं। उसे दिखता है कि उसी ताज को लेकर एक बार उसका और अघोरी का आमना सामना हुआ था। अघोरी उससे ताज छीनने में सफल तो हो गया था, पर उस ताज की शक्तियों को उससे हथिया पाता, उससे पहले ही यक्षिणी ने उसे नर कुत्ता बना दिया था। इन्हीं सब यादों के साथ यामिनी यक्षिणी की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त यामिनी यक्षिणी के रूप में आसमान में स्थिर खड़ी हुई थी। उसके सिर पर अभी भी उसका ताज था जो कि रात के अंधेरे में गोल्डन शाइन के साथ चमक रहा था। शालिनी का शरीर रेत पर घाट के पास पड़ा हुआ था। यामिनी अभी यक्षिणी के अतीत की यादों में से बाहर आई ही थी कि तभी एक तेज कड़कड़ाती हुई बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लगा था जैसे रात के अंधेरे में सवेरा हो गया हो। बिजली के चमकने के साथ ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। यामिनी, जो कुछ देर पहले अपनी शक्तियों के लिए रो रही थी, अब ताज मिलने के बाद उसको उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई थी। यामिनी के अंदर अब एक आग भड़क रही थी। यामिनी आसमान में उड़ी रही थी कि तभी उसे उसके बाबा की आवाज सुनाई देती है, महाशक्ति को बचाओ बेटी, महाशक्ति को बचाओ, वो खतरे में है, बेटी मेरी मदद करो। यामिनी बदले की आग में कहती है, मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल एक हवा के झोंके की तरह यामिनी हवा में उड़ती हुई चली जाती है। इस तरफ मायाधारी अपनी गुफा में पालकी मारकर चट्टान पर बैठी हुई थी। उसके जस्ट सामने तारा भी पालकी मारकर बैठी हुई थी। तारा की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मायाधारी और तारा दोनों के बीच एक मटकी रखी हुई थी, वही मटकी जिसको कुछ देर पहले दीपा साफ कर रही थी। मायाधारी लगातार मटकी को देखकर मंत्र पढ़े जा रही थी। दीपा मायाधारी के पास ही खड़ी हुई थी, जो वक्त वक्त पर जिस चीज की जरूरत मायाधारी को होती थी उसे लाकर दे दिया करती थी। चार्ली और वर्चस्विनी भी वहीं पर थे। वर्चस्विनी का सिर अभी भी भारी था।
वो होश में नहीं थी और चार्ली जो होश में था वो होश में होते हुए भी बेहोशी में था। उसे इतना डर लग रहा था कि डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। डर से उसके पैर अभी भी कंपकंपा रहे थे। रज्जन का शरीर अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ था जो चट्टान से अभी भी चिपका हुआ था। जटाओं ने उसके शरीर को अभी भी चट्टान से चिपका के रखा हुआ था। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, पुनंतु विश्वभूतानी जातवेद पुनिहिमा। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही मंत्र पढ़ने के बाद मायाधारी दीपा की तरफ देखते हुए कहती है, इसकी पट्टी खोल दे। दीपा मायाधारी के हुक्म का पालन करते हुए कहती है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुमा, मैं अभी खोल देती हूँ। इतना कहकर दीपा तारा की आंखों पर से पट्टी खोलने के लिए उसके पास जाने लग जाती है। जब दीपा तारा की पट्टी को खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो उस पट्टी को छूते ही उसे गर्माहट का एहसास होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तारा की आंख आग के गोले की तरह तप रही हो। दीपा तारा की आंखों पर की पट्टी को खोल देती है। जब तारा अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने मायाधारी को बैठा देखती है तो वो घबरा जाती है। तारा महाशक्ति तो थी पर अभी भी उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था और ना ही उसकी शक्तियां जागृत हुई थी। इस कारण वो मायाधारी से डरे जा रही थी और अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तारा खौफ भरी निगाहों से मायाधारी को देखते जा रही थी और मायाधारी तारा की आंखों को देखकर खुश होते जा रही थी। मायाधारी तारा से कहती है, इस मटके को देख तारा बेटा, क्या तुझे इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? तारा मटके को छोड़कर अपने आसपास देखने लग जाती है। जैसे ही उसकी नजर वर्चस्विनी पर पड़ती है वो बौखलाहट के साथ रोते हुए अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मम्मा मम्मा मम्मा। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, मम्मा मम्मा नहीं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, चुपचाप मटके के अंदर देख। तारा मायाधारी की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है और एकटक नजर से बस वर्चस्विनी को देखते रहती है। वर्चस्विनी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आते भी कैसे नहीं भला, अपनी माँ को इस हालत में कौन बच्चा देख सकता था। तारा वर्चस्विनी को ही देखते रहती है और उसको देखकर रोने लग जाती है। वर्चस्विनी सुदबुद खोकर बैठी हुई थी, वो वहां होकर भी वहां पर नहीं थी। तारा को रोता हुआ देखकर चार्ली की आंखें भी नम हो गई थी पर वो विवश था, लाचार था, कुछ नहीं कर पा रहा था। चार्ली वर्चस्विनी के पास ही बैठा रहता है, वहां से हिल तक नहीं पाता है। मायाधारी तारा के चेहरे के भाव पढ़कर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए था। मायाधारी अचानक से गुस्से के साथ कहती है, मम्मा चाहिए ना तुझे तेरी, तो जो मैं बोलती हूँ जैसा बोलती हूँ चुपचाप वैसा कर, समझी? तारा मासूमियत के साथ रोते हुए कहती है, फिर मम्मा मिल जाएगी मुझे? मायाधारी अपने चेहरे पर चालाक मुस्कान लाते हुए कहती है, जैसा मैंने बोला अगर तूने वैसा ही किया तो तुझे तेरी मम्मा क्या सब कुछ मिल जाएगा और मुझे भी। मायाधारी तारा को आदेश देते हुए कहती है, अब मेरा समय ज्यादा खोटी मत कर, चुपचाप मटके की तरफ देख। जैसा जैसा मायाधारी कहती जाती है तारा वैसा वैसा ही करती जाती है, वो मटके की तरफ देखने लग जाती है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, अब बता तुझे मटके में कुछ दिख रहा है? तारा मटके की ओर देखते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, अच्छे से देख तारा, तुझे तेरी माँ चाहिए ना? तारा पलटकर कुछ नहीं कहती, बस मटके की तरफ एकटक नजर से देखते रहती है। दीपा मन ही मन सोचने लग जाती है, ये गुरु माँ भी ना बड़ी अजीब है, खुद ही मटका लेकर आई है और इस बच्ची से पूछ रही है कि मटके के अंदर क्या है। अगर इतना ही जानने का शौक है तो खुद इसके ऊपर का कपड़ा हटाकर क्यों नहीं देख लेती है कि मटके के अंदर क्या है? अब बिना कपड़ा खोले इस बच्ची को कैसे पता चलेगा कि मटके में क्या है? तारा ने अपनी नजरें मटके पर ही गड़ाई हुई थी, वो उसी को देख रही थी। मायाधारी अपनी भवे ऊपर करते हुए तारा से पूछती है, बोल अब दिखा तुझे मटके के अंदर कुछ? तारा कुछ जवाब नहीं देती है, बस मटके को एकटक से देखते रहती है। मायाधारी गुस्से से गुर्राने लग जाती है। दीपा मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर इस मटके के अंदर है क्या? अचानक से तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और मायाधारी समझ जाती है कि जरूर तारा को कुछ ना कुछ दिखा होगा। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब दिखा? तारा मटके की तरफ देखते हुए ही कहती है, हाँ दिख रहा है मुझे।
तारा कुछ कहती उससे पहले ही मायाधारी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस अब तू कुछ बोल मत, जो चीज तुझे मटके के अंदर दिखाई दे रही है उसी को बस देखते जा तू, समझी। तारा लगातार मटके की तरफ देखने लग जाती है। मायाधारी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा की शक्तियां जागृत होने लग गई हैं, अब मुझे उसकी शक्तियां लेने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मायाधारी भी मटके को एकटक नजर से देखते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहती है, इलाल वंग संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहाम ताम। मायाधारी बार बार ये मंत्र दोहराने लग जाती है और तारा मटके की तरफ एकटक नजर से देखते रहती है। दीपा के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मायाधारी आखिर करना क्या चाहती है। मायाधारी और तारा अपने अपने कार्य में लगी ही हुई थी कि तभी देखते ही देखते उन दोनों के बीच जो मटकी रखी हुई थी वो एकदम धीरे धीरे हिलने लग जाती है। दीपा मटके पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, ये मटकी अपने आप हिल क्यों रही है। वो मटकी धीरे धीरे हिलने लग गई थी। उस पूरी गुफा के अंदर सिर्फ एक वही चीज थी जो हिल रही थी, बाकी सब स्थिर रखी हुई थी। मटकी को हिलता हुआ देखकर मायाधारी हंसने लग जाती है पर मंत्र पढ़ना रोकती नहीं है। देखते ही देखते वो मटकी जोर जोर से हिलने लग जाती है और उसी के साथ चटकने भी लग जाती है। मटकी को चटकता हुआ देखकर दीपा समझ गई थी कि अब मटकी कुछ ही देर में फूटने वाली थी और उसे पता चलने वाला था कि आखिर मटके के अंदर क्या है। वो मटका अभी चटकना शुरू ही हुआ था कि तभी एक तेज धमाके की आवाज के साथ वो मटकी झट से टूट जाती है। जब वो मटकी टूटती है तो दीपा देखती है कि उस मटकी के अंदर मिट्टी रखी हुई थी। दीपा उस मिट्टी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या, इसके अंदर तो ये मिट्टी रखी हुई थी, पर ये मिट्टी इतनी भारी मिट्टी कैसे हो सकती है कि मुझसे उठ ही नहीं सकती है, जरूर इस मिट्टी में कुछ ना कुछ खास बात है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, मेरे बरसों की मेहनत अब सफल होने वाली है, वो क्षण अब दूर नहीं जब तारा के अंदर की सारी शक्तियां मेरे अंदर होंगी। जैसे ही मटकी फूटती है तारा की दोनों आंखों में से श्वेत रोशनी लेजर लाइट की तरह निकलने लग जाती है। गुफा के अंदर ज्यादातर अंधेरा होने के कारण वो श्वेत रोशनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तारा की आंखों से निकलती हुई श्वेत रोशनी सीधे फूटे मटके की मिट्टी पर गिर रही थी, पर वो रोशनी मिट्टी के आर पार नहीं निकल रही थी, एक साइड ही होकर रह गई थी। देखते ही देखते उस मिट्टी में हलचल होने लग जाती है, ऐसा लगने लग जाता है जैसे मिट्टी के अंदर से कुछ चीज बाहर निकल रही हो। दीपा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। दीपा हैरानी के साथ मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से। दीपा ने अपनी नजरें मिट्टी पर ही गड़ाई हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी सफेद चीज बाहर निकलने लग जाती है। जब वो चीज पूरी तरह बाहर निकलती है तो दीपा देखती है कि उस मिट्टी से एक नहीं बल्कि दो सफेद चीजें नीचे से उठकर बाहर निकली थी और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी की आंखें थी। वो आंखें पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें कई सालों से उस मटकी के अंदर रखी हुई थी। वो आंखें बेजान थी, उनमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। जब मायाधारी उन आंखों को देखती है तो वो भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो क्रोध जो आक्रोश था वो गायब हो जाता है। वो दोनों आंखें मिट्टी की ऊपरी सतह पर आती हैं और वहीं पर आकर रुक जाती हैं। अब मिट्टी के अंदर कुछ हलचल नहीं हो रही थी, वो पहले की तरह स्थिर हो गई थी। मायाधारी उन आंखों को देखते हुए नर्म लहजे के साथ कहती है, मेरी आंखें, मेरी प्यारी आंखें। दीपा मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये गुरु माँ की आंखें हैं। मायाधारी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, ये वही आंखें हैं जिन्हें यक्षिणी ने उस रात नोच लिया था। अच्छा हुआ उस रात मैंने दिलीप को किश्नोई नदी के घाट पर भेज दिया था अपनी आंखें वापस लेकर आने के लिए और उसे ये उसी घाट पर पड़ी मिल गई। जैसे ही दिलीप मेरी आंखें लेकर आया मैंने इसे इस मटकी के अंदर संभाल कर रख दिया था। इस मटकी के अंदर मौजूद सात कब्रिस्तान और सात शमशान की मिट्टी ने ही इसे अब तक संरक्षित करके रखा हुआ है, वरना ये कब की नष्ट हो जाती। दीपा फिर मन में सोचती है, अच्छा तो ये खास बात थी इस मिट्टी की
कि ये सात कब्रिस्तान और शमशान से लाई गई थी। तभी तो मैं सोचूं कि ये मटकी इतनी भारी कैसे थी और मुझसे उठ क्यों नहीं पा रही थी। मायाधारी आगे कहती है, अब वो दिन आ गया है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। अब मैं तारा की सारी शक्तियां अपनी इन आंखों के अंदर एकत्रित कर लूंगी, जिससे फिर उसकी सारी शक्तियां तो मेरे पास होगी ही, साथ ही मैं देख भी सकूंगी। फिर मुझे कभी किसी दूसरे की आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो और मैं किसी का भी अतीत और भविष्य देख पाऊंगी। दीपा खामोश रहती है और चुपचाप खड़ी मायाधारी की बातें सुनती रहती है। मायाधारी की बातें सुनकर चार्ली घबरा गया था, वो सदमे में आ गया था। वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि मायाधारी क्या करने जा रही थी। मायाधारी तारा से कहती है, अपनी नजर इन आंखों पर से हटाने की सोचना भी मत। यहां तेरी नजर हटी और वहां तेरी मां की मुंडी कटी। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, तारा की रूह कांप जाती है, उसकी जान हलक में आ जाती है, पर वो उन आंखों को ही देखती रहती है, अपना सिर जरा सा भी यहां से वहां नहीं हिलाती है। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, इलाल वंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहाम ताम। मायाधारी लगातार यही मंत्र पढ़ती रहती है और दीपा खामोशी के साथ ये सब देखती रहती है। चार्ली ने मायाधारी और दीपा के बीच की सारी बातें सुन ली थी और वो समझ गया था कि वो क्या करने जा रही है। चार्ली मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाता है, हे भगवान, इस मायाधारी को कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी और तारा एक टक नजर से मिट्टी के ऊपर रखी मायाधारी की दो आंखों को देख रही थी। देखते ही देखते मिट्टी के ऊपर रखी आंखों में मूवमेंट होने लग जाता है। वो सिकुड़ी हुई आंखें पहले की तरह होने लग जाती हैं, ठीक उस तरह जब वो मायाधारी की आंख में स्थित रही होगी। वो आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ रही हो। ये सब देखकर दीपा और चार्ली दोनों की ही आंखें चौंधिया आ गई थी। मायाधारी अपनी आंख में जान आते हुए देखकर खुश होते जा रही थी। वो समझ गई थी कि तारा के अंदर की शक्ति उसकी आंखों में स्थानांतरित होने लग गई थी। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी और तारा मिट्टी की सतह पर रखी आंखों को देखे जा रही थी। लगातार मंत्र पढ़ने के कारण मायाधारी की आवाज गुफा के अंदर गूंजने लग जाती है। चार्ली मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मायाधारी अपने मकसद में कामयाब ना हो। उसे विश्वास था ईश्वर पर कि कुछ न कुछ चमत्कार तो जरूर होगा और मायाधारी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। जब हमारे मन में डर अपनी चरम सीमा पर होता है, उसी वक्त आस्था भी चरम सीमा पर होती है, और वो आस्था धीरे धीरे हमारे अंदर के डर को मार देती है। मायाधारी को खुश होते हुए देख दीपा भी खुश हुए जा रही थी। मायाधारी मंत्र पढ़ने में लगी हुई थी कि तभी चार्ली देखता है कि गुफा के बाहर से एक जगमगाता हुआ जुगनू अंदर आता है और सीधे आकर तारा के पीछे हवा में ही स्थिर हो जाता है। चार्ली को सिर्फ एक ही जुगनू दिखाई दिया था, इसलिए वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता है, पर देखते ही देखते गुफा के अंदर जुगनुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है। एक के बाद एक जुगनू बाहर से गुफा के अंदर आने लग जाते हैं। कुछ जुगनू झुंड में आ रहे थे तो कुछ जुगनू अकेले आ रहे थे। इतने सारे जुगनुओं को देखकर चार्ली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने जीवन में आज तक इतने सारे जुगनू एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा मायाधारी की नहीं थी बल्कि जुगनुओं की थी। दीपा उन जुगनुओं को देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या, इतने सारे जुगनू कहां से आ गए? मायाधारी का पूरा ध्यान इस वक्त मंत्र पढ़ने में था। वो एक के बाद एक अलग अलग मंत्र पढ़े जा रही थी और मिट्टी की सतह पर रखी आंख को देखे जा रही थी। उसे ध्यान ही नहीं था कि तारा के पीछे जुगनुओं का एक बड़ा सा झुंड तैयार हो गया था। मायाधारी बस पूरी लगन के साथ मंत्रों का जाप करने में लगी हुई थी। तारा भी एकटक नजर से बस मिट्टी की सतह पर रखी आंख को ही देख रही थी, पर वो डर जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर था वो अब गायब हो चुका था। उसे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लग गया था, वो पॉजिटिव एनर्जी जो उन जुगनुओं के वहां पर आने के कारण आई थी। दीपा मायाधारी के मंत्रों का जाप तोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, गुरुमा गुरुमा। मायाधारी दीपा की बातों का पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है, बस मंत्र पढ़ते रहती है। दीपा फिर घबराते हुए हकलाहट के साथ कहती है, गुरुमा ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बातों का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? जरा अपनी नजर ऊपर कीजिए और देखिए तारा के पीछे क्या है। मायाधारी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है,
बस मंत्रों का जाप करती रहती है। दीपा को डर लगने लग जाता है क्योंकि उन जुगनुओं को देखकर वो समझ गई थी कि वो कोई आम जुगनू नहीं है बल्कि जादुई जुगनू है जिनमें एक शक्ति समाहित थी जिसके कारण वो पीली रोशनी में जगमगा रहे थे। दीपा डरते हुए मायाधारी से कहती है, गुरु माँ एक बार जरा अपनी नजरें ऊपर तो कीजिए, ऊपर देखिए गुरु माँ ऊपर देखिए। मायाधारी अभी भी दीपा की बातों पर ध्यान नहीं देती है और मंत्र पढ़ते रहती है। दीपा डरते हुए कहती है, वो देखिए गुरु माँ तारा के पीछे कितने सारे जुगनू जमा हो गए हैं। दीपा के बार बार जुगनुओं का नाम अपनी जुबान पर लेने से आखिर में मायाधारी अपनी नजरें ऊपर कर लेती है। उन जुगनुओं को देखकर मायाधारी की बोलती अपने आप बंद हो जाती है, वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। दीपा अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, पता नहीं इतने सारे जुगनू कहां से आ गए, वो भी एक साथ। तारा के पीछे करीब 600-700 जुगनू मंडरा रहे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा को मायाधारी से प्रोटेक्ट कर रहे हो। मायाधारी उन जुगनुओं को देखते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, यक्षिणी। दीपा मायाधारी को टोकते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं गुरु माँ जुगनू। मायाधारी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यक्षिणी ये यक्षिणी ही है, मैं उसे पहचान सकती हूँ, वो मेरे साथ इस तरह का छलावा नहीं कर सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे, उसकी शक्तियों का एक स्रोत ये जुगनू है। मायाधारी की नाक के पास एक जुगनू जगमग जगमग मंडरा रहा था। मायाधारी तुरंत अपना सीधा हाथ आगे करती है और दो उंगलियों से उस जुगनू को दबोच लेती है। मायाधारी उस जुगनू को अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहती है, अब देख। जैसे ही मायाधारी उस जुगनू को मसलना शुरू करती है, तारा के पीछे जो जुगनू थे उनमें हलचल मच जाती है, वो तितर बितर होने लग जाते हैं। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, देखा तूने? दीपा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ गुरु माँ देखा। मायाधारी उस जुगनू को मसल ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि जिस दो उंगलियों से वो उन जुगनुओं को मसल रही थी उसमें उसे जलन होने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो किसी गर्म अंगारे को अपने हाथ में पकड़े हुए हो। मायाधारी तुरंत उस जुगनू को छोड़ते हुए चीखती है, आह। दीपा पूछती है, क्या हुआ गुरु माँ? मायाधारी कुछ जवाब देती उससे पहले ही तारा के पीछे जो जुगनू थे उनमें तेजी के साथ हलचल होने लग जाती है। वो जुगनू एक आकृति के रूप में जमा होने लग जाते हैं। दीपा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो सारे जुगनू एक लड़की के बदन का रूप लेने लग जाते हैं। उन जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तारा के पीछे एक लड़की बैठी हो जिसने जुगनुओं की ड्रेस पहन रखी हो। मायाधारी उन जुगनुओं को देखते हुए कहती है, ये माया बंद कर यक्षिणी और सीधे सीधे सामने आ, ये माया दिखाना मेरा काम है तेरा नहीं। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है वो जुगनू जो लड़की के शरीर की कलाकृति बना रहे थे यामिनी के शरीर में बदलने लग जाते हैं और अगले ही पल वो सारे जुगनू गायब हो जाते हैं। इस वक्त तारा के पीछे यामिनी बैठी हुई थी जिसने अपने सिर पर ताज धारण करके रखा हुआ था। यामिनी एकटक नजर से मायाधारी को देखे जा रही थी। मायाधारी यामिनी को देखते हुए कहती है, तो आ गई यक्षिणी तू, मुझे पता था तू जरूर आएगी, मुझे तेरा ही इंतजार था। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस मायाधारी को देखते रहती है। दीपा यामिनी को देखकर मन ही मन सोचती है, तो ये है यक्षिणी, जितना मैंने सुना था ये उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, अब पता चला हर मर्द क्यों दीवाना है इसका। मायाधारी चालाकी के साथ कहती है, आज मैं तेरा भी उसी तरह खात्मा कर दूंगी जिस तरह मैंने तेरे आशिक का किया है। इतना कहकर मायाधारी उस तरफ देखने लग जाती है जहां पर रज्जन का शरीर टुकड़ों में कटा पड़ा था जिसे अभी भी जटाओं ने चट्टान से बांध कर रखा हुआ था। रज्जन के हाथ पैर गर्दन हथेली धड़ सब अलग अलग हिस्सों में कटे हुए थे। जब यामिनी उस ओर अपनी नजरें करती है जिस ओर मायाधारी ने करी थी तो अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर यामिनी की आंखें नम हो जाती हैं, वो भावुक हो जाती है। यामिनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, बाबा। मायाधारी हंसते हुए कहती है, ये क्या, ये तेरा प्रेमी तेरा बाबा कब से बन गया? पृथ्वी लोक पर आकर प्रेमी बदलने के साथ तूने रिश्ते भी बदल लिए क्या? इतना कहकर मायाधारी जोर जोर से हंसने लग जाती है।
जहां एक ओर मायाधारी हंसे जा रही थी तो दूसरी तरफ यामिनी गुस्से से भरी जा रही थी। उसके अंदर एक ज्वाला भर गई थी, वो ज्वाला जिसमें वो मायाधारी को अब जलाना चाहती थी। मायाधारी यामिनी के दर्द पर हंसते हुए कहती है, देख ले यक्षिणी, अच्छे से देख ले, जिस तरह तेरे प्रेमी के टुकड़े टुकड़े करे हैं मैंने, उसी तरह मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरी और तेरे प्रेमी की समाधि यहीं पर बनाऊंगी मैं, अपनी इसी गुफा के अंदर। मायाधारी देखती है कि तारा की आंखों से अभी भी सफेद रोशनी निकल रही थी, जो सीधे मिट्टी पर रखी हुई आंखों पर गिर रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा था उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मिट्टी पर रखी हुई आंखों पर था। मायाधारी तारा को देखते हुए कहती है, कुछ ही देर में तारा के अंदर की सारी शक्तियां इन आंखों के अंदर समाहित हो जाएगी, फिर देखना तेरा मैं क्या हश्र करती हूँ। मायाधारी की बात सुनकर यक्षिणी अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान ले आती है और मायाधारी को देखकर हंसने लग जाती है। मायाधारी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मायाधारी मुंह बनाते हुए कहती है, तू हंस क्यों रही है? यामिनी कहती है, तेरी मूर्खता पर हंस रही हूं मायाधारी। तू खुद को इतनी बड़ी जादूगरनी बोलती है और तुझे ये भी नहीं पता कि शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए मंत्रों का जाप जारी रखना पड़ता है, वरना शक्तियों का स्थानांतरण बंद हो जाता है। और तू तो कब का मंत्रों का जाप करना बंद कर चुकी है। इस वक्त तारा के अंदर की शक्तियां तेरी आंखों के अंदर नहीं जा रही, बल्कि वो कुछ शक्तियां जो आंख के अंदर स्थापित हो गई थी वो वापस से तारा के अंदर ही प्रवेश कर रही है। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, मिट्टी पर रखी आंखों में जो जान आई थी वो चली जाती है। वो आंखों की पुतलियां जो अपने आप हिल रही थी वो हिलना बंद हो जाती हैं। वो आंखें सिकुड़ना शुरू कर देती हैं और पहले की तरह हो जाती है। तारा की आंखों से सफेद रोशनी निकलना बंद हो जाती है। मायाधारी समझ गई थी कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तारा की शक्तियां तो मैं बाद में उससे छीन लूंगी, पर उससे पहले तेरी सांसें छीनूंगी। तुझे क्या लगता है मैं तारा की शक्तियों के बगैर तेरा कुछ नहीं कर सकती? तू जानती नहीं है कौन हूं मैं। मायाधारी हूं मैं, मायाधारी। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि तेरा इसी वक्त खात्मा कर दूं। अब मैं वो पहले वाली मायाधारी नहीं हूं, कई शक्तियां हैं मेरे अंदर। इतना कहकर मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे जैसे मायाधारी मंत्र बड़बड़ाए जा रही थी, चट्टानों को चीरते हुए ही बरगद के पेड़ की कांटेदार मोटी जटाएं आने लग जाती हैं। ठीक वैसी ही जटाएं जैसी रज्जन के वक्त आई थी। यक्षिणी तारा के पास से खड़ी हो जाती है। वो जटाएं यक्षिणी के बदन के अलग अलग हिस्से को पकड़ने लग जाती है। मायाधारी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। मायाधारी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो बरगद की कांटेदार जटाएं यामिनी के शरीर को पकड़ने लग जाती हैं। मायाधारी यामिनी को देखते हुए कहती है, अब मैं तेरे भी शरीर के वैसे ही हिस्से कर दूंगी जैसे मैंने तेरे आशिक के किए हैं। इतना कहकर मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र दोहराने लग जाती है। जैसे जैसे मायाधारी मंत्र दोहराने लग जाती है, वो जटाएं यामिनी के शरीर पर कसकर लिपट जाती है और एक ही जगह पर बार बार घूमने लग जाती है, ताकि जिस तरह से रज्जन का शरीर धीरे धीरे कटा था, ठीक वैसे ही यामिनी का भी कट जाए। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। वो जटाएं यामिनी के शरीर के हिस्से पर गोल गोल घूम तो रही थी, पर उसके शरीर का मांस नहीं काट रही थी। यामिनी के शरीर से खून की एक बूंद तक नहीं बह रही थी। ये देखकर मायाधारी दंग रह गई थी। मायाधारी गुस्से के साथ और तेजी से मंत्र पढ़ने लग जाती है, पर फिर कुछ असर नहीं पड़ता है। मायाधारी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कैसे हो सकता है? इस यक्षिणी का शरीर कट क्यों नहीं रहा? कुटुंब की जटाएं इसे काट क्यों नहीं पा रही हैं? ऐसा कोई शरीर नहीं जिसे कुटुंब की जटाएं न काट पाए। मायाधारी मंत्रों का जाप जारी रखती है। वो जटाएं जैसे जैसे यामिनी के शरीर पर गोल गोल घूमते जा रही थी, यामिनी की देह में से कमल के फूलों की गंध निकलती जा रही थी।
कमल के फूलों की गंध इतनी बढ़ गई थी कि मायाधारी के नथुनों तक भी वो गंध आने लग जाती है। मायाधारी उस गंध को सूंघते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये कमल के फूलों की गंध कहाँ से आ रही है? दीपा तुरंत यामिनी को देखते हुए कहती है, और कहाँ से आएगी गुरुमा, इस यक्षिणी के बदन से आ रही है कमल के फूलों की गंध। मायाधारी यामिनी को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, जिस यक्षिणी को मैं जानती हूँ, जिससे मेरा सामना हुआ था, उसके बदन से कमल के फूलों की नहीं बल्कि चमेली के फूलों की गंध आती थी। मायाधारी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ये यक्षिणी नहीं हो सकती है, बोल कौन है तू? यामिनी चुप बैठती है। मायाधारी फिर उस पर दबाव बनाते हुए पूछती है, मैं पूछती हूँ, बता कौन है तू? यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, दीपा अपने कदम पीछे खींच लेती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर यक्षिणी ने किसी से कहा है कि मैं यक्षिणी तेरी मौत, तो यक्षिणी उसकी मौत बनकर ही रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पर यक्षिणी की जुबान कभी नहीं बदलती। यामिनी मायाधारी को घूरते हुए कहती है, तू इन जटाओं से मेरे शरीर के हिस्से करेगी? मायाधारी, ये जटाएं मेरे शरीर के हिस्से तब करेगी ना जब मेरे पास शरीर होगा, मेरे पास तो शरीर ही नहीं है। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, यामिनी का पूरा शरीर फिर से ढेर सारे जुगनुओं में बदल जाता है। वो सारे जुगनू जगमग जगमग जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जटाओं ने यामिनी के शरीर को नहीं जुगनुओं को पकड़ कर रखा हो। वो सारे जुगनू यामिनी के शरीर की आकृति में थे। जादूगरनी होने के बावजूद भी मायाधारी को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। मायाधारी फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? दीपा का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वो समझ गई थी कि पीछे कदम खींचकर उसने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि एकदम सही फैसला लिया था। यामिनी मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे जैसे यामिनी मंत्र बड़बड़ाते जा रही थी, वो जटाएं जो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से लिपटी हुई थी, वो खुलने लग जाती है। मायाधारी फिर मंत्र बड़बड़ाती है, पर उन जटाओं पर उन मंत्रों का जरा सा भी असर नहीं होता है। कुछ ही पल में सारी जटाएं खुलकर नीचे गिर जाती हैं। अब यामिनी के शरीर पर एक भी जटा नहीं थी। यामिनी मायाधारी से कहती है, अब तेरी ये जटाएं, तेरा कहना नहीं मेरा कहना मानेगी। जिस तरह मैंने तेरी जटाएं छीनी हैं, वैसे ही मैं तेरी सांसें भी तुझसे छीन लूंगी मायाधारी। आज तेरा आखिरी दिन है मायाधारी। मायाधारी गुस्से के साथ यामिनी को बस देखते रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। मायाधारी मारण मंत्र से यामिनी पर वार करने लग जाती है। मायाधारी वो मंत्र पढ़ती है और यामिनी के ऊपर फूंक देती है, पर उस मंत्र का यामिनी के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है। मायाधारी अगला मंत्र पढ़ती है, पर उसका भी यामिनी के शरीर पर कुछ असर नहीं होता है। मायाधारी लगातार एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रही थी, पर उनका यामिनी के शरीर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। दीपा मनी मन सोचने लग जाती है, ये क्या, गुरु माँ इतने शक्तिशाली मंत्र पढ़ रही हैं, पर इस यक्षिणी के शरीर पर उनका कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा है? मायाधारी लगातार मंत्र पढ़ ही जा रही थी कि तभी मायाधारी की नजर यामिनी ने अपने सिर पर जो ताज धारण करके रखा हुआ था उस पर पड़ती है। उसको देखते ही मायाधारी समझ जाती है कि क्यों यामिनी के शरीर पर उसके किसी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। उस ताज के अंदर लगा लाल हीरा यामिनी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो मायाधारी के सारे मंत्रों को बेअसर कर रहा था। मायाधारी कुछ सोच पाती कि कैसे यामिनी से निपटे, उससे पहले ही यामिनी मायाधारी को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, अब तेरा अंतिम वक्त आ गया है मायाधारी। तूने मेरे बाबा के टुकड़े किए ना, अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब शरीर के टुकड़े होते हैं तो कैसा एहसास होता है। इतना कहकर यामिनी अपनी नजरें नीचे करती है और जटाओं को देखने लग जाती है। जैसे ही यामिनी जटाओं को देखती है, उनमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो जटाएं जमीन पर से उठती हैं और मायाधारी के शरीर पर लिपटने लग जाती हैं। मायाधारी उन जटाओं से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मेरा कुटुंब है, ये तेरी बात नहीं मान सकता, ये जटाएं मेरी हैं। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, ये जटाएं तेरी थी पर अब ये मेरी है, ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर यक्षिणी का हक ना हो। वो जटाएं मायाधारी के शरीर को अलग अलग हिस्सों से पकड़ लेती हैं और उसे जकड़ना शुरू कर देती हैं।
वो जटाएं मायाधारी के शरीर को काटने के लिए एक ही जगह पर बार बार घूमना शुरू कर देती हैं। मायाधारी उन जटाओं को रोकने के लिए मंत्र पढ़ती है, पर उन मंत्रों का उन जटाओं पर बिल्कुल असर नहीं होता है। वो जटाएं पूरी तरह यामिनी के नियंत्रण में थी। दीपा यक्षिणी से बिना लड़े ही हार मान जाती है, क्योंकि वो जानती थी जब खुद उसकी गुरु माँ मायाधारी यक्षिणी के सामने नहीं टिक पा रही है तो वो कैसे टिक सकती थी। चार्ली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने साक्षात यक्षिणी खड़ी हुई है, जो मायाधारी का इतनी बहादुरी से सामना कर रही है। वर्चस्विनी पहले की तरह अपनी सुदबुद्ध खोकर बैठी हुई थी और तारा मासूमियत के साथ बैठी हुई थी। मायाधारी के शरीर से खून की धाराएं बहने लग जाती हैं, उसका मांस कटने लग जाता है। मायाधारी दर्द से कराहने लग जाती है, उसके कराहने की आवाज गुफा के अंदर गूंजने लग जाती है। मायाधारी की दर्द भरी आवाज सुनकर दीपा की भी रूह कांप गई थी। वो जटाएं मायाधारी के शरीर के अलग अलग हिस्से कर देती हैं। दीपा को लगा था मायाधारी अभी कुछ ही पल में अपना दम तोड़ देगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मायाधारी के शरीर के जो हिस्से हुए थे वो वापस से जुड़ने लग जाते हैं। वो खून जो उसके शरीर से बहकर बाहर निकला था वो वापस से उसके शरीर के अंदर जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन जटाओं ने कभी उसके शरीर के हिस्सों को काटा ही ना हो। जैसे ही मायाधारी के शरीर के हिस्से वापस से जुड़ते हैं, मायाधारी हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, तू मुझे मारेगी, मुझे? तू शायद भूल रही है कौन हूं मैं। जादूगरनी हूं मैं, जादूगरनी, और जादूगरनी का शरीर जादुई होता है। उसे मारना इतना आसान नहीं। मायाधारी को हंसता हुआ देखकर दीपा का भी खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है। अब वो थोड़ी निडर हो जाती है। यामिनी एकटक नजर से बस मायाधारी को देखते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। यामिनी फिर जटाओं से मायाधारी के शरीर के हिस्से करने लग जाती है, लेकिन फिर वही होता है। मायाधारी के शरीर के टुकड़े तो होते हैं पर फिर वो जुड़ जाते हैं। यामिनी समझ गई थी कि मायाधारी की मौत ऐसे नहीं होने वाली। यामिनी के ताज में कई शक्तियां थी, वो उन शक्तियों से मायाधारी के शरीर पर प्रहार किए जा रही थी, जिनका मायाधारी के शरीर पर असर तो हो रहा था पर मायाधारी का शरीर वापस से जीवित होकर पहले की तरह होते जा रहा था। यामिनी के ताज में शक्तियां तो थी, लेकिन वो शक्ति नहीं थी कि वो किसी की मौत को बदल सके। संसार में सबकी मौत निश्चित है, लेकिन एक निश्चित चीज से। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, जिस तरह डायन का अंत उसकी चोटी काटकर किया जा सकता है, पिशाच का अंत सूरज की रोशनी में लाकर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह इस जादूगरनी का भी किसी न किसी तरह अंत किया जा सकता होगा। कुछ न कुछ कमजोरी तो जरूर होगी इस जादूगरनी की। पृथ्वी लोक पर सबका अंत निश्चित है। यामिनी सोचने लग जाती है कि वो कैसे मायाधारी का अंत करे। मायाधारी हंसते हुए कहती है, तू मुझे नहीं मार सकती यक्षिणी, तू मुझे नहीं मार सकती। यामिनी सोच ही रही थी कि वो मायाधारी को कैसे मारे, उसी दौरान उसकी नजर मायाधारी के हाथ पैरों की उंगलियों पर पड़ती है। वो देखती है कि उसके दोनों हाथ पैरों के अंगूठे नहीं थे। उसे अपनी शक्तियों से ज्ञात होता है कि जादूगरनियां जादूगरनी बनने के लिए अपने अंगूठे की कुर्बानी देती है। अगर किसी तरह वो उसके अंगूठे को नष्ट कर दे तो मायाधारी का अंत किया जा सकता है। मायाधारी खौफनाक हंसी के साथ हंस रही थी, तभी यामिनी अपने आसपास देखने लग जाती है और उस गुफा के अंदर मायाधारी के हाथ पैरों के अंगूठे ढूंढने लग जाती है। यामिनी जानती थी कि ये गुफा ही मायाधारी का मुख्य ठिकाना है, उसकी तांत्रिक क्रियाएं करने की जगह यही है, और अपनी मुख्य जगह पर ही कोई अपनी सबसे कीमती चीज छुपा कर रखता है। यामिनी की निगाहों को देखकर मायाधारी समझ जाती है कि वो कुछ न कुछ तो जरूर ढूंढ रही है। मायाधारी गंभीर होते हुए कहती है, ये तू यहाँ वहां क्या देख रही है, क्या ढूंढ रही है तू? यामिनी मायाधारी की आंखों में देखते हुए कहती है, तेरी मौत का सामान मायाधारी। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, दीपा उन खोपड़ियों की तरफ देखने लग जाती है जिनके ऊपर बैठकर मायाधारी साधनाएं करती थी, और ज्यादातर वहीं पर बैठी रहा करती थी। वही उसका मुख्य सिंहासन था, जो करीब 500-600 कंकालों की खोपड़ियों से बना हुआ था। दीपा ने जिस तरफ देखा था, यामिनी भी उस तरफ देखने लग जाती है और अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान ले आती है। मायाधारी गुस्से के साथ दीपा से कहती है, मूर्ख औरत, ये तूने क्या किया? तूने मेरे साथ छल किया,
दीपा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं गुरु माँ, मैंने कोई छल नहीं किया आपके साथ, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। मायाधारी पलट कर कुछ कहती उससे पहले ही यामिनी उन खोपड़ियों की तरफ देखने लग जाती है। जैसे ही वो खोपड़ियों की तरफ देखती है, वो खोपड़ियां एक एक करके हवा में उड़ने लग जाती है। मायाधारी यामिनी को रोकने का प्रयास करते हुए कहती है, मैं कहती हूँ रुक जा यक्षिणी, रुक जा, पर यामिनी नहीं रुकती है। एक एक करके सारी खोपड़ियां हवा में उड़ने लग गई थी। जैसे ही आखिरी खोपड़ी हवा में उड़ती है, यामिनी को दो हाथों के और दो पैरों के कटे हुए अंगूठे दिखाई देने लग जाते हैं। वो चारों अंगूठे अभी भी ठीक दिख रहे थे, जैसे अभी अभी काटे गए हों। यही जादूगरनियों के अंगूठों की खासियत होती है कि वो कटने के बावजूद भी ठीक रहते हैं। वो चारों अंगूठे मायाधारी के सामने आकर हवा में ही रुक जाते हैं। मायाधारी फिर कहती है, रुक जा यक्षिणी, ऐसा मत कर, मैं कहती हूँ रुक जा। अचानक से मायाधारी को एहसास होता है कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो और वो धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर जाती है। वो चारों अंगूठे मायाधारी के हाथों और पैरों के पास पहुंच जाते हैं। वो जटाएं मोटी से पैनी हो जाती हैं, वो भी एकदम नुकीली। वो चारों अंगूठे जो मायाधारी के पंजे और हथेली से अलग हुए थे, वापस से जुड़ने लग जाते हैं। वो जटाएं उन अंगूठों को वापस से मायाधारी के शरीर से सिलने लग जाती हैं। अब मायाधारी को असली दर्द का एहसास होना शुरू हुआ था, वही दर्द जो उसे तब हुआ होगा जब उसने इन अंगूठों को अपने शरीर से अलग किया था। वो जटाएं किसी नुकीली सुई की तरह मायाधारी के हाथ की हथेली में घुस रही थी और उसे सिल रही थी। मायाधारी दर्द से लगातार कराहे जा रही थी। मायाधारी दर्द से कराहते हुए दीपा से कहती है, मेरी मदद कर दीपा, खड़ी क्या है, मेरी मदद कर। मायाधारी का ऐसा हाल देखकर दीपा का सिर चकरा गया था। दीपा के लिए मायाधारी की जान से ज्यादा प्यारी अपनी जान थी। वो तुरंत वहां से भागने लग जाती है। मायाधारी उसे रोकते हुए कहती है, धोखेबाज, मुझे छोड़कर भाग रही है, देख लूंगी मैं तुझे। दीपा गुफा से भाग जाती है। यामिनी भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि उसका असली शिकार दीपा नहीं मायाधारी थी, जो कि इस वक्त उसके सामने लाचार पड़ी हुई थी। वो जटाएं तेजी के साथ मायाधारी के अंगूठों को उसके हाथ पैरों से सिल देती है। मायाधारी अपनी जान बख्शने की गुहार लगाते हुए कहती है, छोड़ दे यक्षिणी, मुझे छोड़ दे। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस गुस्से से मायाधारी को घूरते रहती है। मायाधारी यामिनी की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यक्षिणी, मैं उसे मारने में तेरी मदद कर सकती हूँ। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, यामिनी का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है। मायाधारी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तू अच्छे से जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो आज भी वहीं पर है, मैंने उसे महसूस किया है। जब मेरी आंख तारा को ढूंढते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची थी, तब मेरी आंख ने उसे महसूस किया था। तू जानती है उसे मारना इतना आसान नहीं है, इस ताज की मदद से भी उसे तू नहीं मार पाएगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। मायाधारी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तू अच्छे से जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो आज भी वहीं पर है, मैंने उसे महसूस किया है। जब मेरी आंख तारा को ढूंढते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची थी, तब मेरी आंखों ने उसे महसूस किया था। तू जानती है उसे मारना इतना आसान नहीं है, इस ताज की मदद से भी उसे तू नहीं मार पाएगी। यामिनी चुप रहती है। मायाधारी फिर कहती है, अगर तू और मैं मिल जाएं, तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। तू भी तो अपने लोक वापस जाना चाहती है ना, पर उसे मारे बिना कैसे अपने लोक वापस जाएगी, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे और मेरे साथ मिल जा, मैं तेरी मदद करूंगी। एक पल के लिए यामिनी के मन में आता है कि वो मायाधारी की बात मान ले। यामिनी भी अच्छे से जानती थी कि जिस खतरे की बात मायाधारी कर रही थी, उसका वो अकेले सामना नहीं कर सकती थी। पर अगले ही पल यामिनी के दिमाग में उसके बाबा का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि किस तरह मायाधारी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। रज्जन के शरीर के टुकड़े अभी भी चट्टान से चिपके हुए थे। यामिनी प्रतिशोध की आग में कहती है, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं मायाधारी, ये यक्षिणी अपना बदला अकेले पूरा कर सकती है, उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। अपने लोग जाने के लिए मैं यक्षिणी सबका अंत कर दूंगी,
किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे यामिनी ये बात बोलती है, उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग दिखने लग जाती है। जब मायाधारी यामिनी की आंखों में देखती है तो उसे वो आग नहीं बल्कि अपनी मौत नजर आ रही थी। यामिनी की आंखों से आग निकलती है और मायाधारी के शरीर को जलाने लग जाती है। मायाधारी तड़पते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। मायाधारी का शरीर जलने लग जाता है और कुछ ही देर में उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। मायाधारी की सांसें जैसे ही थमती हैं, गुफा के अंदर हलचल होने लग जाती है। उसमें भूकंप आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा गिर रही हो। मायाधारी के अंत के साथ ही उसकी गुफा का भी अंत होने लग गया था। जब यामिनी की नजर मायाधारी से हटती है तो सीधे उसकी नजर तारा पर पड़ती है, जो डरी और सहमी हुई थी। उसे याद आता है कि उसके बाबा ने कहा था कि उसे तारा की रक्षा करनी है और यही उसका कर्म है। यामिनी तारा से कहती है, डरो मत तारा बेटा, सब ठीक हो गया है, मेरे पास आओ। तारा वहीं पर खड़ी रहती है। उसे यामिनी से भी डर लग रहा था। यामिनी तारा को समझाते हुए कहती है, मुझसे मत डरो तारा बेटा, तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि तुम्हारी रक्षा करना है। उसी के लिए तो मैं यहां पर आई हूं, ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। तारा यामिनी की आंखों में देखने लग जाती है और उसे यामिनी की आंखों में अपने प्रति प्रेम नजर आने लग जाता है। तारा धीरे धीरे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ाने लग जाती है। यामिनी तारा को पकड़ती है और गुफा के बाहर ले जाने लग जाती है। उसी वक्त उसकी नजर चार्ली और वर्चस्विनी पर भी पड़ती है। वर्चस्विनी और चार्ली उसी वक्त बेहोश हो गए थे जब जटाएं मायाधारी के शरीर से उसके हाथ पैरों के अंगूठों को सिल रही थी। यामिनी अपनी जादुई शक्ति से उन्हें भी हवा में उठा लेती है और बाहर ले जाने लग जाती है। अगले ही पल यामिनी उन तीनों को गुफा के बाहर सातवीं पहाड़ी के नीचे ले आती है, उसी बरगद के पेड़ के पास जिसे मायाधारी कुटुंब कहकर पुकारा करती थी। बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की आवाज आने लग गई थी, जो संकेत था कि गुफा नष्ट हो रही थी। उसी वक्त यामिनी के दिमाग में उसके बाबा का ख्याल आता है। यामिनी अपने बाबा की फिक्र करते हुए कहती है, मैं अपने बाबा का शरीर ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो मेरे बाबा हैं, मुझे उनका शरीर लेकर आना होगा। इतना कहकर अगले ही पल यामिनी वहां से गायब हो जाती है और दोबारा गुफा के अंदर पहुंच जाती है। जब यामिनी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि चट्टानें गिर रही थी। वो गुफा किसी भी वक्त पूरी तरह बंद हो सकती थी। यामिनी के सामने ही उसके बाबा का शरीर था, जो कि चट्टान के नीचे धंसा हुआ था। उन जटाओं ने अभी भी रज्जन का शरीर थाम कर रखा हुआ था। ये वही जटाएं थीं जिन्होंने रज्जन के शरीर के हिस्सों को उससे अलग किया था। जब यामिनी अपने बाबा का कटा हुआ शरीर देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उन नम आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। कहने को तो यामिनी एक आत्मा थी, पर आत्माओं के अंदर भी जज्बात एहसास जिंदा रहते हैं। ये उसी का असर था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। यामिनी अपने बाबा के शरीर के पास बैठती है और रोने लग जाती है। यामिनी अपने बाबा का शरीर छूते हुए कहती है, बाबा बाबा। जैसे ही यामिनी रज्जन का शरीर छूती है, रज्जन के शरीर में मूवमेंट होने लग जाता है। उसके शरीर से अलग हुआ धड़, गर्दन, पैर, हाथ सब हिलने लग जाते हैं। ये सब देखकर यामिनी सचेत हो जाती है। यामिनी नर्म लहजे से कहती है, बाबा बाबा। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी। अपने बाबा की आवाज सुनकर यामिनी और भावुक हो जाती है। उसकी नजर सीधे रज्जन के चेहरे पर पड़ती है और वो देखती है कि रज्जन की आंखें बंद थी। उसके सिर में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ उसके हाथ पैरों में ही मूवमेंट हो रहा था। यामिनी फिर कहती है, बाबा बाबा, आप कहाँ हैं? मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, मैं यही हूँ यामिनी बेटी, इस धड़ के अंदर। मायाधारी के कुटुंब की जादुई जटाओं ने मेरे शरीर का अंत तो कर दिया, पर मेरी आत्मा का नहीं कर पाए। मेरे श्राप के कारण मेरी आत्मा यहीं फंस कर रह गई है। इन चट्टानों, जटाओं और मेरे शरीर के बीच उस मायाधारी ने कीलन से मेरी आत्मा को यहीं पर बांध दिया है। यामिनी कहती है, मैं अभी आपकी आत्मा को यहां से निकाल दूंगी बाबा। इतना कहकर यामिनी अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। यामिनी मंत्र तो पढ़ रही थी, पर उसका असर रज्जन की आत्मा पर बिल्कुल नहीं हो रहा था।
वो वहीं पर फंसा रहता है। उल्टा चट्टाने और तेजी के साथ गिरने लग जाती हैं। यामिनी जब अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रज्जन की आत्मा अभी भी वहीं पर कैद थी, तो वो दंग रह जाती है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, ये क्या बाबा, मेरी शक्तियां आपकी आत्मा को यहां से निकाल क्यों नहीं पा रही हैं? रज्जन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अभी तुझे ताज की पूरी शक्तियां नहीं मिली हैं बेटी। यामिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? रज्जन जवाब देता है, हाँ बेटी, ये ताज शरीर के बिना अधूरा है। इसकी सारी शक्तियां तुझे तभी मिलेगी जब तुझे तेरा शरीर मिलेगा। अब तुझे अपना शरीर ढूंढना है और उसके बाद अपने अभिशाप से मुक्ति पाना है उसको मारकर। यामिनी खामोश रहती है और सिर्फ चट्टानों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। रज्जन कहता है, अब तुझे यहां से जाना चाहिए बेटी। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं बाबा, मैं आपको यहां पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूं। रज्जन यामिनी को समझाते हुए कहता है, तुझे यहां से जाना होगा यामिनी बेटी, तभी तू अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। तू अपना मकसद कैसे भूल सकती है? जैसे ही रज्जन मकसद का नाम लेता है, यामिनी किसी गहरी सोच में डूब जाती है। रज्जन अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि इससे बड़ा खतरा तेरा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर इंतजार कर रहा है। तुझे अपना शरीर जल्द से जल्द ढूंढना होगा यामिनी बेटा, वरना तू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। यामिनी नर्म लहजे के साथ कहती है, आपको क्या लगता है बाबा कि शरीर मिलने के बाद भी क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगी? आप जानते हैं वो कौन है, मैं उसे नहीं हरा सकती। रज्जन कहता है, तू उसे हरा सकती है बेटा, भूल मत, अब महाशक्ति तेरे पास है, और जिसके पास महाशक्ति का साथ है उसे संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। यामिनी पलट कर कहती है, पर तारा की शक्तियां अभी जागृत नहीं हुई हैं बाबा। रज्जन तुरंत कहता है, वही शक्तियां तुझे जागृत करनी है बेटी, अब देर मत कर, जा यहां से, तुझे तारा को तैयार करना है उसका सामना करने के लिए। यामिनी रज्जन के कटे शरीर पर नीचे से लेकर ऊपर तक नजर फेरते हुए नर्म लहजे के साथ कहती है, पर बाबा मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रज्जन यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुझसे बेटी, तू जा यहां से, शायद यही मेरे पापों की सजा है। मैंने अपनी जिंदगी में कई पाप किए हैं, ये उन्हीं की सजा है जो मुझे मिल रही है। यामिनी की आंखों से अश्कों की धारा बहते जा रही थी। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं बाबा, आपने कोई पाप नहीं किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे बाबा कभी कोई पाप नहीं कर सकते, वो एक अच्छे इंसान है। रज्जन यामिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं बेटा, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, मैं पापी इंसान हूँ। ये उसी पाप की सजा है कि मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं अपने लोक नहीं जा पा रहा हूँ। यामिनी कहती है, बाबा आप हमेशा मुझसे कहते रहते हैं जब मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद आपको भी आपके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, पर आपने कभी आपके श्राप के बारे में मुझे बताया नहीं। रज्जन खामोश रहता है, पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, आपको क्या श्राप मिला था बाबा और किसने दिया था? मेरे अभिशाप टूटने से आपके श्राप का क्या लेना देना? रज्जन की फिर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो यामिनी के इन सवालों से बच रहा हो। कोई ऐसी बात थी जो उसे कहने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए वो खामोश रहना ही मुनासिब समझता है। यामिनी फिर रज्जन पर दबाव बनाते हुए पूछती है, आप खामोश क्यों हैं बाबा, जवाब दीजिए मेरे सवालों का, आपको किसने श्राप दिया था और क्यों? रज्जन खामोश ही रहता है। यामिनी नर्म लहजे के साथ विनती करते हुए कहती है, बाबा ऐसे चुप मत रहिए, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, वक्त के साथ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बेटी, अभी बस तू अपने मकसद पर ध्यान दे, अपना शरीर ढूंढ ताकि तू उसका सामना कर सके और उसे मार सके। मैंने उसे देखा है, वो बहुत शक्तिशाली है। यामिनी तुरंत पूछती है, आपने उसे कब देखा बाबा, कैसा दिखता है वो, बताइए बाबा। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु एक कमरे के अंदर था, उसी कमरे के अंदर जो युग के मम्मी पापा का बेडरूम था। ये वही कमरा था जिसमें अभिमन्यु ने लाल पोटली रखी हुई थी। वो लाल पोटली जिसमें एक अस्त्र बनाने में जो लकड़ियां लगती हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस वक्त अभिमन्यु उसी पोटली में गठाने बांध रहा था। अभिमन्यु उस पोटली में 3 गठाने बांधता है और उस पोटली को कमरे में रखे बेड के नीचे जाकर रख देता है। अभिमन्यु खुद से कहता है, चलो
ये काम तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। अभी वो कमरे से बाहर ही निकला था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो कि नीचे हॉल से आ रही थी। अभिमन्यु खुद से कहता है, ये कैसी आवाज थी, इतनी रात को कौन आ रहा है। अभिमन्यु बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से नीचे जाने लग जाता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे से अंदर की ओर शालिनी आ रही थी। शालिनी के कपड़े पानी से भीगे हुए थे, वो पूरी तरह पानी से तरबतर थी। अभिमन्यु शालिनी की ऐसी हालत देखकर दंग रह जाता है। वो तुरंत शालिनी की फिक्र करते हुए उससे पूछता है, शालिनी तुम इतनी रात में कहां पर गई थी और तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अभिमन्यु अभी तक जाग रहा है, ये कभी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, जब देखो सवाल पर सवाल पूछते रहता है। अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए कहता है, शालिनी कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कहां खो गई तुम और ये तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों हैं। शालिनी भी अभिमन्यु को घूरते हुए कड़क लहजे में जवाब देती है, अब बाहर बारिश होगी तो कपड़े तो भीगेंगे ही ना अभिमन्यु। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, वो तो मुझे पता है, पर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी जब बाहर बारिश हो रही थी। शालिनी अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहती है, जब मैं बाहर गई थी उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। अभिमन्यु कहता है, उस वक्त नहीं हो रही होगी पर बादलों को देखकर तो समझ में आता है ना कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। और ये सब छोड़ो, मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी रात में बाहर ही क्यों गई थी, तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, उसी वजह से दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शालिनी अकड़ के साथ कहती है, तबीयत खराब थी पर अब नहीं है, कमरे में रहते रहते मन मचलने लग गया था इसलिए बाहर घूमने चली गई थी। क्या है ना, मेरी आदत है, जब भी मेरा मन मचलता है तो मैं बाहर घूमने निकल जाती हूँ, वक्त की परवाह नहीं करती हूँ। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाता है, ये भी बढ़िया है, दिन में तबीयत खराब रही है और रात होते ही एकदम ठीक हो जाती है, अच्छा बुखार है तुम्हारा। शालिनी अभिमन्यु पर शक करते हुए पूछती है, वैसे तुम अभी तक सोए नहीं अभिमन्यु, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। अभिमन्यु कहता है, अरे नहीं मैं तो सो गया था, पर नींद खुल गई इसलिए पानी पीने नीचे आ गया था, तभी तुम पर नजर पड़ी तो सोचा पूछ लूं कहां से आ रही हो। शालिनी कहती है, बड़ी कच्ची नींद है तुम्हारी अभिमन्यु, जब भी देखो खुल जाती है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, हाँ मेरी तो कच्ची नींद है पर युग की बड़ी पक्की नींद है, तभी तो उसके साथ अभी तक सो रहा है, बताओ अभी तक उठा ही नहीं, 6 बजने को आए। शालिनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या कहा तुमने, युग डायना के साथ सो रहा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। शालिनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या कहा तुमने, युग डायना के साथ सो रहे। अभिमन्यु बेझिझक होकर बोलता है, हाँ और नहीं तो क्या, तुमने तो अपना कमरा बंद करके रखा हुआ था, किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी, अब डायना तो तुम्हारे कमरे में ही सोती है ना, जब तुमने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो वो युग के साथ सोने चली गई। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। अभिमन्यु अपना पक्ष रखते हुए कहता है, मैं कैसे रोक लेता उसे भला, तुम तो जानती हो डायना कैसी है, वो भला कहां पर किसी की सुनती है। शालिनी तुरंत पलट कर पूछती है, युग ने उसे मना नहीं किया। अभिमन्यु अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, वो भला कैसे मना करता, इतना अच्छा ऑफर भला कोई अपने हाथ से जाने देता है क्या। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, शालिनी अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। शालिनी गुस्से से मन में ही सोचती है, इस अभिमन्यु के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले युग बाबू से तो निपटूं। बड़े आए, कहते हैं कि मैं अपनी यामिनी से बहुत प्यार करता हूं, उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा, और यहां पर मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई, इनके तो रंग ही बदल गए। बाबा सही कहते थे, मर्द कभी किसी एक औरत के होकर नहीं रह सकते। इतना कहकर शालिनी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। अभिमन्यु शालिनी के पीछे जाते हुए कहता है, शालिनी मेरी बात तो सुनो, युग उसके कमरे में नहीं सो रहा है डायना के साथ, बल्कि रूम नंबर 666 में सो रहा है। जैसे ही अभिमन्यु रूम नंबर 666 का नाम लेता है, एक पल के लिए शालिनी अपने कदम रोक लेती है, जैसे ये बात सुनकर वो और शॉक्ड हुई हो। शालिनी सीढ़ियों पर खड़े होकर खुद से बड़बड़ाती है, युग बाबू को उस कमरे में नहीं सोना चाहिए था। इतना कहकर शालिनी वापस से सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। अभिमन्यु शालिनी को टोकते हुए कहता है, शालिनी तुम कब से युग को युग बाबू कहने लग गई।
शालिनी अभिमन्यु की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। अभिमन्यु भी उसी के पीछे जाते रहता है। शालिनी जब रूम नंबर 666 के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। शालिनी वहीं पर रुकते हुए अभिमन्यु से कहती है, ये क्या, दरवाजा तो लगा हुआ है। अभिमन्यु फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अब एक कमरे में सोएंगे तो थोड़ी तो प्राइवेसी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी दरवाजा खोलकर सो जाएंगे। तुम भी ना शालिनी, कमाल करती हो, अजीब अजीब सवाल पूछती हो। अभिमन्यु की बातें सुनकर शालिनी आग बबूला हो जाती है। ऐसा ही होता है स्त्री का मन, जिस पुरुष से वो प्रेम करती है वो उस पुरुष का किसी दूसरी स्त्री के साथ नाम तक जुड़ते हुए नहीं देख सकती। और यहाँ पर तो अभिमन्यु सोने की बात कर रहा था, फिर शालिनी का आग बबूला होना तो जायज ही था। शालिनी गुस्से के साथ दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। जैसे ही वो दरवाजे को छूती है, दरवाजा करकराते हुए खुल जाता है। दरवाजा बस टिका हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था। जब दरवाजा खुलता है तो शालिनी देखती है कि युग सीने पर बेगानी रूह किताब रखकर कुर्सी पर सो रहा था। उसी के सामने जो कुर्सी रखी हुई थी उस पर डायना सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे युग किताब पढ़ते पढ़ते सो गया हो और डायना कहानी सुनते सुनते। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, अभिमन्यु तुम तो कह रहे थे कि युग डायना के साथ सो रहा है। अभिमन्यु अपने हाथ से डायना और युग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, साथ में ही तो सो रहे हैं, शालिनी तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अब ये बात अलग है कि दोनों अलग अलग सो रहे हैं, लगता है तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। तुम लड़कियां ना कुछ भी सोचती हो। इतना कहकर अभिमन्यु अपने चेहरे की हंसी छुपाने लग जाता है। शालिनी अभिमन्यु को बस गुस्से के साथ घूरती रहती है, पर पलटकर उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर शालिनी के साथ ऐसा मजाक किया था। वो शालिनी के अंदर का वो रूप बाहर निकालना चाहता था जो असल में थी, बल्कि वो नहीं जो वो होने का दिखावा कर रही थी। शालिनी तुरंत डायना के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, ए डायना उठ चल। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये शालिनी डायना से किस तरह से बात कर रही है, आज से पहले तो इसे इस तरह से किसी से बात करते हुए नहीं देखा। शालिनी बार बार डायना को अपने हाथों से हिलाए जा रही थी जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। डायना उबासी लेते हुए कहती है, क्या हुआ शालिनी, सुबह हो गई क्या? शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हो गई, चल उठ अब जल्दी से। डायना टेबल के सामने ही बनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती है, पर बाहर तो अंधेरा दिख रहा है, फिर तुम क्यों बोल रही हो कि सुबह हो गई? शालिनी गुस्से के साथ कहती है, आज सूरज उजाला नहीं अंधेरा लेकर निकला है इसलिए। शालिनी की बात सुनकर अभिमन्यु हंसते हुए मन में ही सोचता है, इसे कहते हैं जलन। शालिनी डायना से कहती है, तुझे सोना है तो चल मेरे कमरे में चलकर सो। डायना अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलते हुए नींद में कहती है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहीं पर सोने दो ना। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, नहीं तू यहाँ पर नहीं सो सकती, मैंने कहा ना तुझसे, तू मेरे कमरे में चल। अभिमन्यु शालिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ हाँ डायना तुम शालिनी के कमरे में सोने चले जाओ, यहाँ पर कब तक ऐसे कुर्सी पर बैठकर सोओगी, शालिनी के कमरे में आराम से बिस्तर पर सोना। डायना अभिमन्यु से कहती है, पर अभिमन्यु यहाँ पर बहुत अच्छी। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, ये परवर क्या कर रही है डायना तू, मैंने कहा ना चल मेरे कमरे में, तुझे दिख नहीं रहा युग जी सो रहे हैं, अगर उनकी नींद खुल गई तो। अभिमन्यु युग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ डायना तुम दोनों की बातों से युग डिस्टर्ब हो जाएगा, कितनी गहरी नींद में सो रहा है वो, ऐसी कौन सी लोरी सुना दी तुमने इसे डायना, वरना ये तो रोज आधी रात में ही जग जाता था, आज बड़े आराम से सो रहा है। डायना कहती है, लोरी नहीं सुनाई कहानी सुनाई है। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, क्या कहा, कहानी, कैसी कहानी? डायना अभिमन्यु की आंखों में घूरते हुए कहती है, महाडायन की कहानी। जैसे ही डायना महाडायन का नाम लेती है, शालिनी डायना पर शक करते हुए पूछती है, तुम्हें महाडायन के बारे में कैसे पता चला? डायना अपने कहे पर मन में पछताते हुए कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अभिमन्यु भी डायना पर शक करते हुए पूछता है, हाँ डायना खामोश क्यों हो, जवाब दो, तुम्हें महाडायन के बारे में कैसे पता? डायना युग की तरफ देखते हुए कहती है, वो मुझे युग ने बताया। डायना से पलटकर अभिमन्यु और शालिनी में से कोई सवाल पूछता उससे पहले ही डायना कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी नींद में ही बातें कर रही हूँ,
मैं तो जा रही हूँ सोने, तुम दोनों करते रहो बातें। इतना कहकर डायना मौका देखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। शालिनी एक नजर युग की तरफ देखती है और वो भी कमरे से बाहर निकल जाती है। अभिमन्यु युग के पास रखी खाली कुर्सी को देखते हुए कहता है, डायना ही रात भर इस कुर्सी पर सो सकती है, मैं तो नहीं। मैं तो चला कमरे के अंदर सोने, बिस्तर पर आराम से सोऊंगा। अभिमन्यु कमरे से बाहर निकलते हुए कायर और कछुए की फिक्र करते हुए कहता है, ये कायर और कछुआ पता नहीं कहाँ सो रहे होंगे, पता नहीं बिस्तर नसीब हुआ होगा या ठेके पर ही पसरे होंगे दोनों। सुबह हो गई थी और युग अभी तक सो रहा था। वो पूरी रात कुर्सी पर ही सोया हुआ था। वो किताब जो रात में उसके सीने के ऊपर रखी हुई थी वो फर्श पर गिर गई थी। युग गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की खुली हुई थी जिससे तेज सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी और सीधे युग के चेहरे पर पड़ रही थी, पर उन सूरज की किरणों का भी उस पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी सूरज की किरणें युग के उल्टे हाथ की कलाई पर गिरने लग जाती हैं। जैसे ही वो किरणें युग के हाथ पर गिरती हैं, युग कसकर चीखता है, आह! युग इतने कसकर चीखा था कि पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर उसकी आवाज गूंजने लग गई थी। युग की आवाज सुनकर वहां पर शालिनी, डायना और अभिमन्यु भी आ जाते हैं। युग अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई पकड़े हुए था और उसी को पकड़कर चीखे जा रहा था। युग को उसके उल्टे हाथ की कलाई में बहुत दर्द हो रहा था, उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था। शालिनी युग के नजदीक पहुंचती उससे पहले ही डायना युग के पास चली जाती है और उसके कंधे छूते हुए कहती है, क्या हुआ युग, तुम चीखे क्यों, सब ठीक तो है? डायना को युग को छूते हुए देखकर शालिनी फिर मुंह बनाने लग जाती है। वो तुरंत युग के पास जाती है और डायना को साइड करते हुए युग से बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहती है, युग जी क्या हुआ आपको, आप चीख क्यों रहे हैं? युग उन दोनों के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता, वो बस दर्द से कराह रहा था। टेबल पर ही पानी का जार रखा हुआ था। अभिमन्यु तुरंत उस जार को उठाता है और उसका सारा पानी युग के हाथ पर उलट देता है, पर उसका भी उस पर कुछ असर नहीं होता है। युग के हाथ में जलन मचती रहती है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू के हाथ में फिर से दर्द कैसे उठने लग गया, मैं तो कल रात इनके पास भी नहीं गई थी, फिर भी इनके हाथ में इतनी जलन कैसे हो रही है? अभिमन्यु तुरंत युग के पास बैठ जाता है और उसका हाथ देखने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु युग का हाथ छूता है, युग के हाथ की जलन कुछ कम होने लग जाती है, वो चीखना कम करने लग जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तू ठीक तो है? युग अपने उल्टे हाथ को मलते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु ठीक हूँ मैं। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, तुझे हुआ क्या था यार? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं, मैं सो ही रहा था कि तभी इस हाथ में जलन होने लग गई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म अंगारों से जला रहा हो। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, इससे पहले भी एक दो बार युग का यही हाथ जलन दिया था, आखिर ये चक्कर क्या है, ये चीज नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है इसके पीछे। अभिमन्यु कुछ सोच ही रहा था कि तभी डायना की नजर युग के उल्टे हाथ की कलाई पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी कलाई पर दो निशान बने हुए थे, जिसमें से पहला तो पानी की बूंद की तरह था, पर उसके पीछे का दूसरा निशान आग की तरह था। डायना युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, युग ये निशान कैसे है, क्या ये तुम्हारे बर्थ मार्क है? शालिनी फिर डायना के हाथ से युग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, जरा दिखाना, मैं भी तो देखूं कैसा निशान है, तुम किस निशान की बात कर रही हो? युग उन निशानों को देखते हुए कहता है, नहीं डायना, ये मेरे बर्थ मार्क नहीं है, ये इसमें से ये जो पानी की बूंद वाला निशान है, ये निशान तो उस रात बना था जब मैं यामिनी के साथ। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु और शालिनी समझ जाते हैं कि इसके आगे युग क्या बोलने वाला था। शालिनी मन में युग की बात पूरी करते हुए कहती है, युग बाबू के हाथ में ये पानी की बूंद वाला निशान उस रात मेरे साथ संभोग करते वक्त बना था, पर ये निशान किस चीज का है, ये बाबा ने कभी नहीं बताया मुझे। अभिमन्यु युग की कलाई को देखते हुए कहता है, युग ये दूसरा निशान जो आग की तरह दिख रहा है, ये कब बन गया तेरी कलाई पर? जितना मैं जानता हूँ ये पहले तो नहीं था तेरी कलाई पर। युग उस आग की तरह दिखने वाले निशान पर हाथ फेरते हुए कहता है, तूने सही कहा अभिमन्यु, मुझे अच्छे से याद है ये निशान कल रात तक मेरी कलाई पर नहीं था, पता नहीं अचानक कैसे बन गया, मुझे तो लग रहा है जैसे रात ही रात में बन गया हो। अभिमन्यु डायना की तरफ देखते हुए कहता है, कल रात तो तू डायना के साथ था ना? डायना पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही शालिनी गुस्से के साथ डायना से कहती है, डायना तुमने क्या किया युग जी के साथ कल रात, जो उनके हाथ पर ये आग वाला निशान बन गया? डायना कहती है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, तो फिर उनके हाथ पर ये निशान कैसे बना?
डायना मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे क्या पता शालिनी कैसे बन गया। तुम तो मुझे ऐसे दोष दे रही हो जैसे युग की कलाई पर जो निशान बना है वो मेरे कारण बना है। शालिनी फिर डायना से पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, हाँ हाँ शालिनी, डायना ने कुछ नहीं किया है, वो तो बेचारी कल रात मुझे कहानी सुना रही थी। जैसे ही युग ये बात बोलता है, अभिमन्यु युग को देखते हुए धीरे धीरे उससे पूछता है, क्या कल रात तुझे डायना ने महाडायन की कहानी सुनाई थी? युग अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ तुझे कैसे पता चली ये बात। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देना छोड़कर डायना पर शक करते हुए पूछता है, डायना तुमने तो कहा था कि युग ने तुम्हें महाडायन की कहानी सुनाई थी, और युग तो कह रहा है कि तुमने उसे महाडायन की कहानी सुनाई। डायना खामोश रहती है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु फिर पूछता है, डायना जवाब दो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? डायना तुरंत कहती है, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने तो कुछ झूठ नहीं बोला। अभिमन्यु कहता है, डायना तुमने कहा था ना कि युग ने तुम्हें महाडायन की कहानी सुनाई। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है। अभिमन्यु कहता है, डायना तुमने कहा था ना कि योग ने तुम्हें महाडायन की कहानी सुनाई। डायना अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैंने कब ऐसा कहा था अभी, तुम कुछ भी मत बोलो। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता, उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, अभिमन्यु कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो एकदम सच बोल रहा है। तुमने यही कहा था डायना कि युग ने तुम्हें महाडायन की कहानी सुनाई थी। डायना अपना सिर खुजाते हुए कहती है, हाँ याद आया, मैंने ही कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त मैं बहुत नींद में थी तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। युग बीच में दखल देते हुए कहता है, यार क्या तुम दोनों डायना के पीछे पड़े हुए हो, कहानी मैंने सुनाई हो या डायना ने क्या फर्क पड़ता है, कहानी ही तो थी। डायना तुरंत थोड़ी सीरियस होते हुए कहती है, नहीं युग, जो महाडायन की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी, कड़वी सच्चाई जिसे कोई नहीं झुठला सकता। अभिमन्यु युग से पूछता है, युग डायना ने तुझे ऐसी कौन सी कहानी सुना दी, जरा मुझे भी तो बता। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यार बाद में बताता हूँ ना, अभी तो सोकर उठा हूँ मैं और तुम लोग लगे हो सवाल पर सवाल पूछने में। डायना अभिमन्यु शालिनी तीनों खामोश रहते हैं, पलटकर फिर युग से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। वो युग के हालात समझ रहे थे, वो पहले ही अपने हाथ पर बने निशान को लेकर परेशान था और अब तो उसकी कलाई पर एक और निशान बन गया था जिस कारण वो और परेशान दिख रहा था। कुछ देर बाद शालिनी अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी, इस वक्त वो कमरे के अंदर अकेली थी। शालिनी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। शालिनी युग की कलाई पर जो निशान बने हुए थे वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। युग को परेशान देखकर वो भी सुबह से ही परेशान हो गई थी। युग की चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। शालिनी सोचती है, युग बाबू के हाथ पर वो निशान कैसे थे, आखिर पानी और आग के चिन्ह का क्या मतलब हुआ। मन तो चाह रहा है अभी इसी वक्त बाबा के पास पहुंच जाऊं और उनसे इस निशान के बारे में पूछूं। वो जरूर इन निशानों के बारे में जानते होंगे। एक पल के लिए शालिनी अपने बाबा के पास जाने का फैसला लेती है, पर अगले ही पल फैसला बदलते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, मैं बाबा के पास ऐसे ही नहीं जा सकती। मैंने बाबा को वचन दिया है कि अब मैं उनसे तभी मिलने आऊंगी जब मुझे मेरा असली शरीर मिल जाएगा। मैं वचन तोड़ नहीं सकती, वचन तोड़ना यक्षिण लोक के नियम के विरुद्ध है। शालिनी बिस्तर पर से उठती है और कमरे के अंदर आगे पीछे घूमते हुए सोचती है, उस रात जब युग बाबू ने मेरे साथ संभोग किया था, उसी वक्त उनके हाथ पर संभोग करने के दौरान वो पानी की बूंद वाला निशान बना था। आखिर हमारे संभोग करने से उस निशान का क्या लेना, बाबा ने मुझे निशानों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। शालिनी यही सब सोचते हुए परेशान होने लग गई थी, तभी उसके दिमाग में वो बातें घूमने लग जाती हैं जो आखिरी मुलाकात में रज्जन ने उसे बताई थी जब वो उसे मायाधारी की गुफा में अलविदा कह रही थी। शालिनी रज्जन की बातों को याद करते हुए खुद से कहती है, कहीं ये सब उसी के कारण तो नहीं हो रहा जिस खतरे के बारे में बाबा ने मुझे बताया था, युग जी का ये निशान उसी की ओर तो संकेत नहीं कर रहा। शालिनी उन बातों को याद करने लग जाती है जो जाते वक्त रज्जन ने उसे बताई थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य चलने लग गए थे जब मायाधारी की गुफा नष्ट हो रही थी और रज्जन उसे राज की बातें बताने में लगा हुआ था।
इस वक्त यामिनी अपने यक्षिणी वाले रूप में गुफा के अंदर थी। उसके सिर पर उसका ताज था और वो रज्जन के कटे हुए शरीर के हिस्सों के पास खड़ी थी जो जटाओं से बंधा हुआ था। यामिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए पूछती है, आप खामोश क्यों हैं बाबा, जवाब दीजिए मेरे सवालों का, आपको किसने श्राप दिया था और क्यों? रज्जन खामोश ही रहता है। यामिनी नर्म लहजे के साथ विनती करते हुए कहती है, बाबा ऐसे चुप मत रहिए, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, वक्त के साथ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बेटी, अभी बस तू अपने मकसद पर ध्यान दे, अपना शरीर ढूंढ ताकि तू उससे सामना कर सके, उसे मार सके। मैंने उसे देखा है, वो बहुत शक्तिशाली है। यामिनी तुरंत पूछती है, आपने उसे कब देखा बाबा, कैसा दिखता है वो बताइए बाबा? रज्जन यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब युग अपने दोस्तों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर का बर्थडे मना रहा था। यामिनी खामोश रहती है, चुपचाप रज्जन की बातें सुनती रहती है। वो जानती थी रज्जन उसे किसी ऐसी चीज के बारे में बताने वाला था जिसका उसने सिर्फ आज तक जिक्र सुना था, उसे देखा कभी नहीं था। रज्जन भी उस वक्त में पहुंच जाता है जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचा था। इस वक्त रज्जन ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ बाहर से ही देख रहा था कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या हो रहा था। रज्जन ने काली शॉल ओढ़ी हुई थी जिससे उसने अपने आप को कवर करके रखा हुआ था। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हॉल ही में टेबल पर शराब की 4-5 बोतल रखी हुई थी जो कछुआ और अभिमन्यु कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आए थे। टेबल पर ही बिरयानी और चिकन लॉलीपॉप 3-4 प्लेटों में रखी हुई थी। एक प्लेट में चने रखे हुए थे जिसे युग के दोस्त चखने के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। हॉल के अंदर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था, वहां पर कोई नहीं था। युग और उसके बाकी के दोस्त इस वक्त ऊपर वाले कमरे के अंदर थे। एक शराब की बोतल जिसका ढक्कन खुला हुआ था उसकी महक पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में महकने लग गई थी। रज्जन एकटक नजर से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर देख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी के एकदम बीचों बीच लगा लालटेन झूमर हिलने लग जाता है। वो लालटेन बार बार आगे पीछे हिल रहा था। तभी उसके उस झूमर के अंदर जितने भी 10-15 बड़े छोटे लालटेन जले हुए थे वो एक साथ बुझ जाते हैं। हॉल में लाइट जली हुई थी जिस कारण लालटेन बुझने के कारण भी हॉल में अंधेरा नहीं होता है। जैसे ही वो लालटेन बुझती है उनकी बुझी हुई बाती में से काला धुआं निकलने लग जाता है। सभी बुझी बाती में से निकलता हुआ धुआं अलग ही मूवमेंट कर रहा था, जैसे वो सिर्फ धुएं का एक रूप ना हो बल्कि उस धुएं में जान हो जो अपने आप मूवमेंट कर रहा था। 15 बाती में से जो धुआं निकला था वो सब एक होने लग जाते हैं, जैसे वो किसी एक ही चीज के हिस्से हों। उन बाती के धुएं एक साथ आपस में मिलते हैं और उस शराब की बोतल के पास आकर मंडराने लग जाते हैं जिसका ढक्कन खुला हुआ था। जैसे जैसे वो धुआं उस शराब की बोतल के पास मंडराते जा रहा था उस धुएं का आकार बढ़ते जा रहा था और देखते ही देखते वो धुआं काले साए का रूप ले लेता है। ये सब देखकर रज्जन दंग रह गया था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो काला साया किसी खूंखार आदमी की तरह लग रहा था जिसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। उस काले साए की परछाई देखकर ही समझ आ रहा था कि वो बहुत बड़ा बलवान था। ऊपर वाले कमरे से युग और उसके दोस्तों की आवाज एक साथ सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे युग और उसके दोस्तों की आवाज सुनाई देना बंद होती है वो शराब की बोतल अपने आप हवा में उड़ती है और उस काले साए के मुंह में खाली होने लग जाती है। जब उस काले साए का मुंह खुलता है तो रज्जन देखता है कि उस काले साए के दांत आम इंसानों के दांतों की अपेक्षा काफी लंबे थे, जिनकी लंबाई करीब 3 इंच थी। वो दांत काफी नुकीले और पैने थे, किसी जंगली जानवर के दांत की तरह। देखते ही देखते वो शराब की बोतल उस काले साए के मुंह में खाली हो जाती है। उस शराब की बोतल के अंदर एक बूंद तक शराब की नहीं बची थी। जैसे ही वो खाली होती है वो शराब की बोतल धड़ाम से अपने आप फर्श पर गिर जाती है। कांच की बोतल के टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। एक एक करके सारे बोतल के ढक्कन अपने आप खुलने लग जाते हैं और उस काले साए के मुंह में खाली होने लग जाते हैं। बोतल खाली होते जा रही थी और फर्श पर टूटती जा रही थी। सिर्फ शराब की बोतल ही नहीं, वो प्लेटें जिनमें बिरयानी और चिकन लॉलीपॉप रखी हुई थी वो भी खाली होने लग गई थी। वो चखना जो युग के दोस्त लोग अपने लिए लाए थे वो कुछ उस काले साए के मुंह में जा चुका था तो कुछ फर्श पर बिखरा हुआ था।
चिकन की हड्डियां चारों तरफ बिखरी हुई थी। वो काला साया इस तरह शराब और चिकन को खा रहा था जैसे वो कई सालों से उन चीजों का भूखा हो। कई दिनों बाद उसे चिकन का स्वाद मिल रहा था। चिकन को कच कच चबाते हुए उस काले साये के नुकीले दांतों से ये पता चल रहा था कि वो कितना भूखा था। रज्जन उस काले साये को देखकर घबरा सा गया था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा था कि वो जानता था कि उसके सामने कौन सा खतरा था। वो काला साया कच कच करके चिकन खा ही रहा था कि तभी तीन चार कदमों की आहट सुनाई देती है जो कि सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। युग के दोस्त लोग बातें करते हुए नीचे की ओर आ रहे थे। जैसे ही उस काले साये को इस चीज का एहसास होता है, वो काला साया तुरंत वापस से धुएं के रूप में बदलता है और उन लालटेन वाले झूमर की बाती में समाहित हो जाता है जिनसे वो निकला था। लालटेन वाला झूमर पहले की तरह दोबारा जलने लग जाता है। जब युग और उसके दोस्त नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शराब की बोतलें टूटी पड़ी हुई थी, बिरयानी और लॉलीपॉप की प्लेट खाली थी जिनकी हड्डियां बिखरी हुई थी। वहां के हालात देखते हुए कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ओ तेरी, ये क्या हो गया? बिंदु भी हैरानी के साथ कहती है, ये सब किसने किया? अभिमन्यु खाली खाने की प्लेटों को देखते हुए कहता है, ये क्या, ये हमारा खाना किसने खाया? कछुआ डरते हुए कहता है, और कौन हो सकता है, यक्षिणी ही होगी। कायर कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, पागल हो रहे क्या, यक्षिणी कब से शराब पीने लग गई? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, जब यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग कर सकती है तो शराब पीनी क्या उसके लिए कोई बड़ी चीज है? वो देखो जरा फर्श पर, शराब की बोतल के कांच के टुकड़े तो हैं, पर फर्श पर जरा सी भी शराब नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो शराब हम लेकर आए थे और उसे यक्षिणी पी गई। शराब पी तो पी, जो बिरयानी हम लेकर आए थे वो भी खा गई। अभिमन्यु चिकन की हड्डियों को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि चिकन मत लाया करो, शैतानी शक्तियां जाग जाती है, ये उसी का असर है। मुझे तो लगता है यक्षिणी चाहती ही नहीं कि हम यहाँ पर कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, इसलिए उसने ये सब किया है, अपना खौफ कायम रखने के लिए। युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग और उसके दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि रज्जन को खांसी आने लग जाती है। वो अपनी खांसी पर काबू नहीं कर पाता और खांसने लग जाता है। कायर कछुए से कहता है, अबे कछुए, ये तुझे बुढ़ा खांसी कब से हो गई? कछुआ झट से कहता है, पागल हो रहा है क्या, भला मुझे बुढ़ा खांसी क्यों होगी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। कायर हैरानी के साथ कहता है, अगर तू नहीं खांसा तो फिर कौन खांसा? कायर ने इतना ही कहा था कि तभी फिर बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। जब युग अपने आसपास नजर घुमाता है तो उसकी नजर सीधे रज्जन पर पड़ती है जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था शॉल ओढ़कर। युग रज्जन को देखकर उसकी तरफ भागकर आने लगता है। युग को अपनी तरफ आता देख रज्जन भी तुरंत वहां से हड़बड़ाहट के साथ भागने लग जाता है। जैसे ही रज्जन भागने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त यामिनी यक्षिणी रूप में मायाधारी की गुफा के अंदर खड़ी हुई थी जिसकी चट्टानें धीरे धीरे खिसक रही थी। रज्जन के शरीर के कटे हिस्से से आवाज सुनाई देती है। उस रात युग और उसके दोस्तों को लग रहा था कि हॉल में जो भी घटना घटी उसे यक्षिणी ने अंजाम दिया है, पर वो यक्षिणी नहीं बल्कि वो काला साया था जो कई सालों से उसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। उसकी तड़प बढ़ रही थी और उसी तड़प को मिटाने के लिए वो बाहर निकला था, और मैंने उसे देख लिया था पर वो मुझे नहीं देख पाया क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस वक्त उस खुशबू पर था जो उस चिकन में से आ रही थी। मैंने उसके वो खूंखार दांत देखे थे जो पहले की तरह उस रात भी पहने थे जिनसे वो लोगों का मांस खाया करता था। यामिनी रज्जन से पूछती है, बाबा, क्या वो काला साया अपने असली रूप में था? रज्जन की आवाज सुनाई देती है, नहीं बेटी, वो काला साया अपने असली रूप में नहीं था। यामिनी तुरंत पूछती है, पर क्यों बाबा, वो काला साया अपने असली रूप में क्यों नहीं था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यामिनी तुरंत पूछती है, पर क्यों बाबा, वो काला साया अपने असली रूप में क्यों नहीं था? रज्जन यामिनी के सवाल का जवाब देता है, पता नहीं बेटी, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि वो काला साया अपने असली रूप में क्यों नहीं था।
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युग और उसके दोस्तों से छुप रहा हो। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा बाबा आपने? वो काला साया युग बाबू और उनके दोस्तों से छुप रहा था? रज्जन यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी बेटा, तभी तो जब उस काले साये को जैसे ही युग और उसके दोस्तों की आहट सुनाई दी, वो वहां से तुरंत गायब हो गया और फिर उनके सामने नहीं आया। यामिनी खामोश रहती है, चुपचाप रज्जन की बातें सुनती रहती है। रज्जन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, दूसरी बार भी वो काला साया तभी सामने आया था जब ग्रेवयार्ड कोठी में युग और उसके दोस्त नहीं थे। यामिनी बीती बातें याद करते हुए कहती है, बाबा कहीं आप उस रात की बात तो नहीं कर रहे जब हम सब उस अघोरी के ठिकाने पर गए थे? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी बेटा, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। उस रात तेरी मौत का बदला लेने के लिए मैं ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा था। मैंने सोच लिया था या तो उस रात वो युग रहेगा या फिर मैं। मेरा एक ही मकसद था, उसे मारना। पर जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचा तो मैंने देखा कि कोठी के अंदर अघोरी खड़ा हुआ था जो कि यक्षिणी को पुकारे जा रहा था। इतना कहकर रज्जन अतीत की यादों में चले जाता है। इस वक्त रज्जन अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहा था। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो देखता है कि कोठी का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। रज्जन समझ जाता है कोठी के अंदर जरूर कोई न कोई था। रज्जन कोठी के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और कोठी के अंदर झांक कर देखने लग जाता है। वो देखता है कि अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने अपने लंबे बालों की सिर पर जटा बांधी हुई थी। आमतौर पर वो अपनी जटा खुली ही रखता था, उन्हें बांधता नहीं था। अघोरी यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी कहां पर है तू? देख मैं आ गया। मैं वही कुत्ता हूं जिसे तूने श्राप दिया था। वो श्राप टूट चुका है। अघोरी बार बार यक्षिणी को पुकारे जा रहा था, उसे बुलाए जा रहा था, पर यक्षिणी वहां नहीं आ रही थी। वो वहां पर आती भी कैसे? इस वक्त वो शालिनी के शरीर में युग और उसके दोस्तों के साथ थी। अघोरी को अब गुस्सा आने लग गया था। वो गुस्से से गुर्राने लग गया था। वो काफी देर से कुछ न कुछ बोले जा रहा था, पर यक्षिणी का अभी तक पलट कर कुछ जवाब नहीं आया था। अघोरी यक्षिणी को बुलाने के लिए उसे उकसाते हुए कहता है, मुझे पता है आज भी तू मेरे सामने आने से डरती है कि कहीं मैं तुझे अपनी दासी बनाकर ना रख लूं। अगर उस रात तूने अपनी चोटी से मेरा मुंह बंद नहीं किया होता तो आज तू मेरे साथ सो रही होती और मैं तेरी सारी हवस मिटा देता। जैसे ही अघोरी ये बात बोलता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हलचल मचने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी की खिड़कियां खड़खड़ाने लग जाती हैं। लाइटें बार बार बंद चालू होने लग जाती हैं। अघोरी अपने दोनों हाथ फैलाकर हंसते हुए कहता है, आजा, आजा, आजा यक्षिणी, तुझे नहीं पता इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू रहेगी या फिर मैं। अब मुकाबला बराबरी का होगा। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जितनी भी खिड़कियां थीं, सबके कांच टूट जाते हैं। वो लालटेन झूमर जो अघोरी के सिर के ऊपर था, वो धीरे धीरे हिलने लग जाता है। उसके अंदर की सारी बातियां एक साथ बुझ जाती हैं। जैसे ही वो बातियां बुझती हैं, उसके अंदर से निकलता हुआ काला धुआं आपस में मिलकर एक होता है और झूमर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है। उस धुएं में से एक बड़े से हाथ की परछाई निकलती है जो झूमर को उसकी जगह से हिलाने लग जाता है। वो झूमर तेजी के साथ नीचे आने लग जाता है। वो झूमर अघोरी के सिर पर गिरता उससे पहले ही अघोरी की नजर उस झूमर पर पड़ जाती है और वो उस जगह से तुरंत हट जाता है। वो हाथ की परछाई भी तुरंत झूमर पर से गायब हो जाती है। अघोरी झूमर के वार से बचते हुए अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, पीठ पीछे क्या वार करती है यक्षिणी? सामने आ। लगता है ये औरतों की पीठ पीछे वार करने की आदत कभी नहीं जाने वाली। अघोरी के इतना कहने की देर ही थी कि अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर अघोरी डर के मारे कांप जाता है। वो काला साया अघोरी से भी हट्टा कट्टा था। वो अघोरी से कई ज्यादा बलवान लग रहा था। अघोरी काले साये को देखते हुए कपकपाते हुए कहता है, तुम कौन? एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यामिनी रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, दो मिनट बाबा, उस काले साये ने उस अघोरी से ये क्यों बोला, मैं यक्षिणी तेरी मौत? उसने मेरे नाम का प्रयोग क्यों किया? रज्जन यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो काला साया अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था।
वो अपना असली रूप लेकर उस अघोरी के सामने नहीं आना चाहता था। तू जानती है वो काला साया कौन है? वो ऐसे ही होते हैं, कभी अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाते हैं। यामिनी खामोश रहती है। रज्जन फिर अतीत के पल में चले जाता है। जब अघोरी मैं यक्षिणी तेरी मौत कहने की डरावनी आवाज सुनता है तो पहले तो वो डर जाता है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है, अच्छा तो ये तू है, तेरा ये नया रूप भी कमाल का है, मैं तो डर ही गया था। अघोरी के ठीक सामने काला साया खड़ा हुआ था। अघोरी उस काले साये को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, ये क्या, तू मेरे सामने अपने असली रूप में नहीं आएगी क्या? कितने साल हो गए तेरी वो कामुक कमर देखे हुए, जरा वो कमर तो दिखा। वो काला साया कुछ जवाब नहीं देता है, वैसे ही खड़ा रहता है। अघोरी उस काले साये को घूरते हुए कहता है, मुझे पता है तू मेरे सामने क्यों आई है, तुझे तेरा ताज चाहिए ना, वो मेरे पास ही है, पर मैं तुझे वो तभी दिखाऊंगा जब तू मुझे वो हीरा लाकर देगी। उस हीरे को ताज में लगाते ही दो शक्तियां निकलेंगी, एक तेरी और एक मेरी, तू अपनी शक्ति ले लेना, मैं अपनी, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। अघोरी काले साये के कुछ कहने का इंतजार करने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा। अघोरी ने उस काले साये को यक्षिणी समझकर कई बातें करी, पर वो काला साया एकदम चुप खड़ा रहा, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, ना ही कुछ बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था उस अघोरी को मारने के लिए। काला साया चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। ये सब देखकर अघोरी के सब्र का बांध टूट चुका था। अघोरी गुस्से से काले साये को घूरने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अघोरी गुस्से गुस्से में अपने दोनों हाथ चिड़िया के पंख की तरह हवा में उठाते हुए कहता है, तू यक्षिणी जानती नहीं है, मैं बिना शक्तियों के भी क्या क्या कर सकता हूँ, तू भूल रही है आखिर मैं एक नर कुत्ता हूँ। लगता है मुझे तुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा, तभी तू मुझे वो हीरा देगी, ऐसे तू नहीं मानने वाली। इतना कहकर अघोरी अपने दांत किटकिटाने लग जाता है। धीरे धीरे अघोरी के नाखून जंगली कुत्ते की तरह होने लग गए थे। अघोरी के शरीर पर बाल आने लग गए थे। अघोरी का रूप कुत्ते के रूप में बदल पाता उससे पहले ही वो काला साया अघोरी के पैरों में लिपटने लग जाता है। अघोरी घबराते हुए कहता है, ये तो क्या कर रही है यक्षिणी, मुझसे लिपट क्यों रही है, मेरे पैर छोड़। वो काला साया अघोरी से लिपटता रहता है। उसके पैर पूरी तरह से काले साये ने लपेट दिए थे। अघोरी के पैर काले होकर जम गए थे, वो अपने पैर हिला तक नहीं पा रहा था। अघोरी गुस्से से कहता है, ये तू क्या कर रही है मेरे साथ, छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। देखते ही देखते वो काला साया अघोरी की गर्दन तक लिपट जाता है। अब बस अघोरी का चेहरा बचा हुआ था जिस पर वो काला साया नहीं लिपटा था। अघोरी डरते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी शक्ति है तेरे पास जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, यक्षिणी तेरे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई, एक डायन के पास ये शक्ति कैसे आ गई, क्या किया है तूने, बता ये क्या कर रही है तू मेरे साथ। देखते ही देखते वो काला साया उस अघोरी के मुंह पर भी लिपट जाता है। अघोरी अब कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, वो काला साया पूरी तरह से अघोरी से लिपट गया था। कुछ पल के लिए वो काला साया ऐसे ही लिपटा रहता है, और देखते ही देखते काले साये में से आग की लपटें निकलने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अघोरी जल रहा हो, पर उस काले साये को कुछ नहीं हो रहा था। अघोरी दर्द से चीखने लग जाता है, आह आह। अघोरी की दर्द से कराहने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी। जैसे ही अघोरी की कराहने की आवाज बंद होती है, वो काला साया जो अघोरी के बदन से लिपटा हुआ था उससे अलग हो जाता है और अघोरी के सामने खड़ा हो जाता है। वो काला साया भारी डरावनी आवाज में हंसने लग जाता है। अघोरी मूर्ति बन चुका था, उसकी धड़कनें थम चुकी थी। वो काला साया ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर चारों तरफ खिड़कियों के पास घूमने लग जाता है। जैसे ही वो काला साया दरवाजे के पास पहुंचता है, रज्जन तुरंत वहां से फरार हो जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसका मकसद युग को मारना था, उस काले साये को नहीं। वो अच्छे से जानता था कि वो उस काले साये का मुकाबला नहीं कर सकता था, अगर उसके पास शक्तियां होती तब भी नहीं। जब वो भाग रहा था उसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी से कुछ ही दूरी पर युग ने उसे भागते हुए देख लिया था और युग उसका पीछा करने लगा था। उसी दरमियान मौका हाथ से ना जाए इसलिए रज्जन रुक गया था और वो युग को मारने लग गया था, पर तभी वहां युग के दोस्त उसे बचाने आ गए।
और उसे वहां से भागना पड़ा था। रज्जन अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। यामिनी खामोशी के साथ रज्जन की सारी बातें सुने जा रही थी। रज्जन की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। यामिनी कहती है, बाबा वो काला साया सबसे अपनी पहचान छुपा रहा है, वो किसी के सामने नहीं आना चाहता। अगर मैं उसे युग बाबू और उनके दोस्तों के सामने ले आऊं तो हो सकता है वो लोग उस काले साये से सामना करने में मेरी मदद करें। रज्जन की बौखलाहट के साथ आवाज सुनाई देती है, ऐसा करने की तू सोचना भी मत। तू खुद सोच, जब वो छुपकर ही इतनी तबाही मचा सकता है तो तब क्या होगा जब तू उसे सबके सामने ला देगी। वो और खूंखार बन जाएगा, वो अपने असली रूप में आ जाएगा, और यदि वो काला साया अपने असली रूप में आ गया तो सबकी मौत निश्चित है, कोई नहीं बचने वाला फिर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। जैसे ही यामिनी रज्जन की ये बात सुनती है वो खामोश हो जाती है। रज्जन अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए कहता है, और तू ये युग और उसके दोस्तों को अच्छा मत समझ, एक नंबर के कमीने हैं वो। देखना जिस रोज उन्हें पता चलेगा शालिनी के शरीर के अंदर तू है, वो तुझे भी जला देंगे। ये इंसान किसी के सगे नहीं होते, हमेशा अपने मतलब के लिए जीते हैं। पता नहीं क्यों जैसे ही यामिनी रज्जन के मुंह से युग और उसके दोस्तों के बारे में ऐसे शब्द सुनती है वो मायूस हो जाती है। उसके मन को अजीब लगने लग जाता है। यामिनी को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो भी युग के दोस्तों की दोस्त बन गई थी और उनके बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकती थी। दोस्ती यही होती है, कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, बाबा वो काला साया सबके सामने क्यों नहीं आ रहा। रज्जन जवाब देता है, जितना मुझे लगता है उस हिसाब से वो काला साया किसी चीज का इंतजार कर रहा है। यामिनी फिर रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, किस चीज का बाबा, वो काला साया किस चीज का इंतजार कर रहा है। रज्जन जवाब देता है, पता नहीं बेटी, पर जिस तरह तू ग्रेवयार्ड कोठी अपने मकसद से गई है ठीक उसी तरह वो काला साया भी किसी न किसी मकसद से वहां पर है। तभी तो वो उस ग्रेवयार्ड कोठी को छोड़ नहीं रहा है, वहीं पर अपना डेरा जमाए हुए है। यामिनी चुप खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती है। रज्जन आके कहता है, तेरे पास वक्त बहुत कम है बेटी, इसलिए कहता हूँ ये युग और उसके दोस्तों को छोड़। इंसान कभी किसी के नहीं होते, अपनों के भी नहीं, बस अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। तू अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर को ढूंढने में लगा, तुझे तेरा शरीर मिलेगा तभी तुझे इस ताज की पूरी शक्ति मिल पाएगी। वो काला साया और ताकतवर हो गया है, उस अघोरी को मारकर उसकी शक्तियां भी उसे मिल गई हैं। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, अघोरी की शक्तियां मतलब नर कुत्ते की शक्ति, उसके पास तो यही शक्तियां थी ना बाबा। रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटी अब तू जा, देर मत कर, यामिनी नर्म लहजे के साथ कहती है। पर बाबा मैं कैसे आपको ऐसे छोड़कर जा सकती हूँ। रज्जन कहता है, मैंने कहा ना तुझसे, अब ये मायाधारी की गुफा ही मेरा स्थान है जब तक तू मुझे मेरे श्राप से मुक्ति नहीं दिला देती, और वो तू तब दिला पाएगी जब तुझे खुद अपने अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। तू जाते जाते मुझे एक वचन दे बेटी। यामिनी तुरंत पूछती है, कैसा वचन बाबा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।